Hi, all of you. Good afternoon. Okay, so let's just start. जैसा कि मैंने कहा कि हम सीवीटी पीजी एलएलएम में अंतिम बार सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून ऐश्वर्या। हम अंतिम बार सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में हम ज्यूरिसप्रूडेंस पे डिस्कस करेंगे। सीवीटी पीजी एलएलएम का सिलेबस बहुत लेंदी है, ये सब तो आप लोगों को पता है, और जिसमें ज्यूरिसप्रूडेंस भी आपका एक सब्जेक्ट है जो आने वाला है। अब अगर थोड़ा सा स्टार्ट करने से सेशन को इससे पहले हम थोड़ा सा ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में जान लेते हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेपर क्योंकि एमसीक्यू होने वाला है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती है एग्जाम्स में, हम उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे आज अगर खत्म हो जाता है तो, अगर आज नहीं भी खत्म होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में खत्म कर लेंगे। लेकिन हम फोकस करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखेंगे सब कुछ, लेकिन फोकस किस पे करना है वो आप ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर आप एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठो, जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सको कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। ज्यूरिसप्रूडेंस में बहुत ज्यादा आपको नया हर बार कुछ नहीं मिलेगा, बेसिक सी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, वही आपसे रेगुलरली पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यूरिसप्रूडेंस का फर्स्ट सेशन आज मैं ले रही हूँ, साथ ही साथ मैंने और सेशंस लिए हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। आप अंतिम बार सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां पर आप बाकी सब्जेक्ट्स का अपना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिंस आपका 20 मार्च को सीवीटी पीजी का एग्जाम होने वाला है तो बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, तो फटाफट से जल्दी जल्दी रिविजन करना स्टार्ट करो एंड मेक श्योर कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या होता है। तो टर्म ज्यूरिसप्रूडेंस आपका जो है ये आया है लैटिन वर्ड ज्यूरिसप्रूडेंशिया से, जिसको ट्रांसलेट करा गया है या जिसका मीनिंग हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ होता है। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में अपने रखना है। कहाँ से आया है? ज्यूरिसप्रूडेंशिया से आया, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल या नॉलेज, ठीक है। नाउ ज्यूरिसप्रूडेंस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, या कह लो बहुत ही सही लाइन है जो लिखी हुई है। इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। देखिए, आप पढ़ते हो लॉ, आप हो लॉ के स्टूडेंट, ठीक है। जब भी आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप लॉ को पढ़ने जाते हो, लेकिन उस लॉ को पढ़ने के लिए एक बेसिक चीजें कुछ तो होती है ना जो हमको समझाई जाती है। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो हमको छोटे से एकदम जरा जरा सी चीजें समझाई जाती हैं कि हाँ, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होता है, ये डेफिनेशन क्लॉज क्या होता है, ये प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोविजो क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हमें बताई जाती है। ये क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आप यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो एलएलबी में, तो उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो जरूरी होती है, ज्यूरिसप्रूडेंस आपको वो प्रोवाइड करता है। ज्यूरिसप्रूडेंस आपको ओवरऑल लॉ की एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है एंड उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा उसके बारे में भी बात करता है। बहुत लोगों को लगता है ज्यूरिसप्रूडेंस एक कहानी है, ज्यूरिसप्रूडेंस को कहानी की तरह सुन लो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कहानी की तरह समझ के पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रियलिटी नहीं है। आप ये मत समझना कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज जस्ट लोगों का एजम्पशन कि वो लोग इस तरीके से समझते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस रियलिटी है। ज्यूरिसप्रूडेंस इज समथिंग जिसमें लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं लॉ के बारे में। ज्यूरिसप्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सारे लॉज को एक बेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम समझ पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रैंड नॉर्म है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से बाकी लॉज का फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन ज्यूरिसप्रूडेंस हमें समझ देता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस बताता है बाकी लॉज में जो काम आती है आगे चल के, हमें समझ में आती है
कि भाई पोजेशन का आखिर क्या मतलब होता है, ओनरशिप क्या होता है, लाइबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, राइट्स क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, ये सब हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस की मदद से समझ पाते हैं। इसलिए बिना ज्यूरिसप्रूडेंस के आप कहो कि मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत बदनाम सब्जेक्ट है, लोग इससे डरते बहुत है, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्यों है, लेकिन आराम से कभी भी ध्यान से पढ़ना समझना, ज्यूरिसप्रूडेंस से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप उसकी वैल्यू समझ गए कि ज्यूरिसप्रूडेंस जो है आपका बेस है, आप पहले बेस स्ट्रांग करना होगा। मैथ्स में क्या होता था, बचपन में हम लोग मैथ्स पढ़ते थे तो क्या होता था, जब ब्लंडर्स होती थी तो टीचर्स क्या कहते थे, इनका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो पहले हम लोगों को अपने बेस पे काम करना होता है, तब हम लोग बाकी चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मेक श्योर कि ज्यूरिसप्रूडेंस को आप आराम से जरूर पढ़ें, और आराम से पढ़ने के लिए आज के सेशन को लास्ट तक देखना, आपको इस सेशन से जरूर इंटरेस्ट आ जाएगा ज्यूरिसप्रूडेंस में, जिसकी मदद से आगे चल के आप डिटेल में ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ सकते हो। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो ज्यूरिसप्रूडेंस आपकी स्टडी है, थ्योरी है लॉ की, एंड पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ लॉ। इट इन्वॉल्व्स, इसमें आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसा कि मैंने कहा, एंड साथ ही साथ ये लॉ के रोल एंड फंक्शन को सोसाइटी में बताता है। सोसाइटी में लॉ का क्या रोल है, लॉ का क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ ज्यूरिसप्रूडेंस मेथड्स और टेक्निक्स की बात करता है जो भी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी होती है या लॉ को समझने के लिए जरूरी होती है। ज्यूरिसप्रूडेंस आपके नेचर ऑफ लॉ को, लॉ का आखिर स्वभाव क्या है, उसको समझने में मदद करता है। लीगल सिस्टम के स्वभाव को समझने में मदद करता है। लीगल इंस्टीट्यूशंस का नेचर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बात करता है। एंड साथ ही साथ वो समझने की कोशिश करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जिसमें लॉ आपका ऑपरेट करता है। ये एक ब्रॉड फील्ड है जो आपका रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स को इनकम्पास करती है, जिसमें लीगल पॉजिटिविज्म आता है, नेचुरल लॉ आता है, लीगल रियलिज्म एंड क्रिटिकल लीगल स्टडीज है। अब ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, लीगल पॉजिटिविज्म, नेचुरल लॉ, लीगल रियलिज्म, दिस इज समथिंग ऑल अबाउट द ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस में आपको वैरायटी ऑफ टर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे रियलिस्ट स्कूल था तो उस वक्त के लोगों को आप कहोगे लीगल रियलिज्म में बिलीव कर रहे हैं, नेचुरल लॉ स्कूल था तो वो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी पे समझ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। एनालिटिकल स्कूल के लोग जो थे वो लीगल पॉजिटिविस्ट कहलाते थे। तो इस तरीके से वेरियस टर्म्स है, जब हम स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो थ्रू द स्टडी ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस जो स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स थे, इन्होंने एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लॉ की डेवलप करी एंड उसका रोल सोसाइटी को शेप करने में क्या है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो ज्यूरिसप्रूडेंस में प्राइमरली एनालिसिस होता है एंड प्रोसेस होता है बिल्डिंग एंड क्लैरिफाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, कि जो लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको बिल्डअप करना, उनको क्लैरिफाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो ज्यूरिसप्रूडेंस में पाया जाता है। ज्यूरिसप्रूडेंस इज नॉट अबाउट सिर्फ नए रूल्स बनाने का काम नहीं है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। आप जब ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की काफी हद तक बात करता है। आपको ये समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं हमें पीछे के समय में ले जा रहा है कि आखिर इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऐसा नहीं है कि ज्यूरिसप्रूडेंस सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा है, वो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में है, नहीं। ज्यूरिसप्रूडेंस इज ऑल अबाउट पास्ट, ज्यूरिसप्रूडेंस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट एंड इट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा निरंतर लॉ के साथ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये नए नए इंटरप्रिटेशंस को समय के साथ डेवलप करता है। जैसा हम कहते हैं कि लॉ डायनेमिक है, लॉ समय के साथ बदलता रहता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है ज्यूरिसप्रूडेंस में। आज का इंटरप्रिटेशन क्या है, लोग पहले क्या सोचते थे, लोग आज से 10 साल बाद क्या सोचेंगे, ये सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है। वो इसको एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड देन सोसाइटी में डिलीवर करेगा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को। तो इट इज नॉट अबाउट ओनली मेकिंग द न्यू रूल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए रूल्स बनेंगे, रादर ये करंट रूल ऑफ स्ट्रक्चर पे बात करता है एंड आइडियाज पे जो लॉयर्स को मदद करते हैं डिफरेंट और मच बेटर प्रोसीजर प्रैक्टिस करते टाइम पे। मतलब ये हर एक चीज के लिए, हर इंसान के लिए हेल्पफुल है। हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को मदद करेगा, लॉयर्स हैं तो उनको उनकी प्रैक्टिस में मदद करेगा, जजेस हैं तो उनको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे जिससे कि वो लॉ को एनालाइज कर पाएंगे।
जुरिस्प्रूडेंस ना सिर्फ प्राइमरीली लॉस पे फोकस करता है बल्कि उन लॉस का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा उस पे भी फोकस करता है। जुरिस्प्रूडेंस आपका लीगल प्रिंसिपल का थ्योरेटिकल एंड लॉजिकल स्टडी दोनों को लेके चलता है, मतलब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करता, सिर्फ लॉजिक्स की बात नहीं करता, ये दोनों को इनकॉर्पोरेट करके चलता है। जुरिस्प्रूडेंस आपका ऑफन लॉ पे रिफ्लेक्ट करता है एंड इसका इम्पोर्टेंस सोसाइटी पे क्या है उस पे रिफ्लेक्ट करता है। डिस्कशन हुआ है जस्टिस का एंड आर्टिकुलेशन ऑफ लॉ का, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है इन द आईज ऑफ लॉ एंड ये पर्सन को थॉट्स ऑफ लॉ के बारे में समझने में मदद करता है। और ज्यादा समझे तो जुरिस्प्रूडेंस आपके लॉ का ग्रामर है। ग्रामर क्या है भाई, हमने जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, जब हमने इंग्लिश समझना स्टार्ट किया स्कूल में, तो हमको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई गई, जिसमें हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, हमने सारी चीजें पढ़ी। जब हमने स्पीच को समझा, जब हमने इन सारी चीजों को पढ़ा, तब हमें समझ में आया इंग्लिश में बोलते कैसे, इंग्लिश में लिखते कैसे हैं। तो वही बात है, आप जब लॉ पढ़ने चले थे तो आपको हमेशा से तो लॉ नहीं आता था, आपको सबसे पहला सब्जेक्ट जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया, आपको लॉ का ग्रामर पढ़ाया गया, लीगल वोकैबुलरी पढ़ाई गई कि ये जार्गन्स क्या होते हैं, ये लीगल मैक्सिम्स क्या होते हैं, इनका मतलब तो समझो, ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं इनका मतलब तो समझो, तब तो लॉ पढ़ोगे ना। तो इस तरीके से जुरिस्प्रूडेंस आपके लॉ का ग्रामर भी कहलाता है। ये पर्सन को हेल्प करता है लीगल ग्रामर और लैंग्वेज को समझने में। अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो लीगल लैंग्वेज और ग्रामर जो है ये थोड़ी आपकी डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट होता है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जुरिस्प्रूडेंस जो है ये लॉयर के माइंड को टीच करता है जिससे कि वो टर्मिनोलॉजी को यूज कर सके। एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो हम लोग जब लॉ स्कूल में थे तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम जब एग्जाम में लिखने बैठते थे तो फ्रेजेस नहीं बनते थे, लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं मिलती थी। हम लोग जैसे जनरल इंग्लिश लिखते हुए आए थे तब तक वैसे ही लिखते थे, कोशिश करते थे कि पढ़े तो लॉ की भाषा निकल के आए, नहीं होता है वो। कैसे होता है वो, ऐसा नहीं कि जुरिस्प्रूडेंस तुमने आज पढ़ लिया तो कल को तुम्हारे मुंह से लीगल टर्मिनोलॉजीज ही निकलेंगी, ऐसा भी नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है अभी जो लॉ स्कूल में है और वो ये डिफिकल्टी फेस करता है जहां पर वो लीगल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर पाता, उसको उसके आंसर को पढ़ के ऐसा नहीं लगता है कि लॉ स्टूडेंट ने लिखा है, तो बिलीव मी गाइस, बेयर एक्ट पढ़ो, जितनी ज्यादा बेयर एक्ट हो सकती है उतना बेयर एक्ट को रीड करो एंड उसको इनकलकेट करो। रटना नहीं होता है, रटना बिल्कुल नहीं होता है, उसको समझो और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। गुड आफ्टरनून दिव्यांशी, उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इंटरप्रिटेशन रूल्स प्रोवाइड कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट वो जजेस या लॉयर्स की मदद करता है टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस। जुरिस्प्रूडेंस और उसका रिलेशन सोशल साइंसेस के साथ भी है, ठीक है? आप, मैंने क्या कहा, ये एक बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है, ठीक है? ये काफी चीजों को समझने में हेल्प करता है। तो सीधी सी बात है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो जब जुरिस्प्रूडेंस और उसके रिलेशनशिप को आप डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ समझोगे तो एक बड़े लेवल पे आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये स्टूडेंट्स को लॉ की अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे हम इसको अदर डिसिप्लिन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस बच्चों को, लोगों को टीच करता है कि लीगल प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने में, ठीक है, इट इज नॉट हिडन इन द पास्ट और वेटिंग इन द फ्यूचर रादर देन हिडन अराउंड देम। ये बताता है कि ये सिर्फ पास्ट में छुपा हुआ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, ये आपके आस पास है जिसका आंसर आप लोग बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। जुरिस्प्रूडेंस पॉलिटिकल और लीगल राइट्स के बारे में भी डिस्कस करता है एंड कैसे सिस्टम जो है स्ट्राइव करेगा इन दोनों को बैलेंस बनाने में। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, नेचर क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है जुरिस्प्रूडेंस के आस्पेक्ट। तो जुरिस्प्रूडेंस आपका फिगर आउट करता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स लॉ के क्या हैं। ये ना सिर्फ आपके ऑलरेडी डिफाइंड लॉज को एनालाइज करता है बल्कि ये आपके नए रूल्स के लिए फाउंडेशन भी करता है। मैंने क्या कहा, जुरिस्प्रूडेंस सिर्फ पास्ट की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट की नहीं कर रहा, फ्यूचर की सिर्फ नहीं कर रहा, वो तीनों समय की बात करता है। तो सीधी सी बात है, जो पुरानी चीजें हैं उसको आपको बताता है, जो अभी चल रहा है वो उस चीज को लेके समझता है और आपको इंटरप्रिटेशंस देता है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका फाउंडेशन बनाता है।
ये प्रोडक्ट है जूरिस्ट और फिलोसोफर्स की थॉट्स का। अब मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कुछ बोल दिया, अगला क्या सोचता है, अगले ने कहा, तीसरा आदमी क्या सोच रहा है, चौथा क्या सोच रहा है, यही सब जो वेरियस वेरियस थॉट्स होते हैं, इन सब के अमालगमेशन को जूरिस्प्रूडेंस में रखा गया है। दे हैव द राइट टू व्यू, जूरिस्ट और फिलोसफर्स की जो थॉट है उनके पास राइट होता है उनको व्यू देने का, एनालाइज करने का, कमेंट करने का लीगल सिस्टम के बारे में। एज सच हम देख सकते हैं एनालिटिकल एक्सरसाइज है जिसका कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। जूरिस्प्रूडेंस लॉ को दूसरी फील्ड से बांधता है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये स्केल आपकी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। ये किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट से नहीं लिया गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जूरिस्प्रूडेंस कोई एक्ट है, क्या जूरिस्प्रूडेंस कोई लेजिस्लेशन है? नहीं, जूरिस्प्रूडेंस आपका किसी भी स्टैट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। जूरिस्प्रूडेंस आपका एक नॉर्मल सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट से डिराइव नहीं है, ये कोई भी स्टेट असेंबली से डिराइव नहीं है। लॉर्ड टेनिसन ने कहा था ये लॉलेस सब्जेक्ट है लॉ का, बहुत बेहतरीन लिखा है कि ये लॉ का सब्जेक्ट है, और तुम खुद समझो ये बेसिक सब्जेक्ट है एकदम, जो सब सब लॉ की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, बट ये लॉलेस सब्जेक्ट है लॉ का। वेरियस कॉन्सेप्ट जैसे ओरिजिन लॉ का कैसे हुआ, लॉ की जरूरत क्या है, लॉ की यूटिलिटी कैसे लॉ की होती है, ये सब वेरियस जूरिस्ट ने पढ़ा, एंड इन सब कॉन्सेप्ट की पढ़ाई को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपके मल्टी डायमेंशनल लीगल क्वेश्चन का जवाब देता है या आपके ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी में मदद करता है। साथ ही साथ ये लॉयर की कैपेसिटी को बढ़ाता है जिससे वो रैशनल रीजनिंग को जस्टिफाई कर पाते हैं। ये ब्लेस करता है लॉयर की स्किल को विद अ सेंस ऑफ फिलॉसफी, एथिक्स एंड मोरालिटी, जो उनको हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड इन देयर डिसिप्लिन। और यहाँ पर और भी ओकेजन होते हैं जहाँ पे लूप होल्स देखे जाते हैं, तो जब लूप होल्स मिलते हैं, जब जजेस को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो उस केस में जूरिस्प्रूडेंस मदद करता है जजेस की। जूरिस्प्रूडेंस आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन है लॉ का, एंड बिना उसके इट इज नॉट पॉसिबल, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है लॉ को इफेक्ट में लाना। नाउ अब हम बात करेंगे एक एक लीगल फिलोसोफर के बारे में कि उनका क्या व्यू था जूरिस्प्रूडेंस को लेके। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द ऑस्टिन। ऑस्टिन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको पॉजिटिव लॉ माना जाता है। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है, लॉ एज इट इज, दैट इज एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। जो टर्म पॉजिटिव लॉ है इसका मतलब होता है यू पॉजिटिवम, जिसका मतलब है लॉ लेड डाउन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कमांडिंग ओबीडियंस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, एंड उससे पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। अगर आप ऑस्टिन पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये चीज याद कर लेनी है कि भाई ऑस्टिन के लिए लॉ क्या था, जो सॉवरेन का कमांड होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सुपीरियर लॉ को ले डाउन करता है वो कमांड ओबीडियंस कमांड करने के लिए फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लॉ। उनकी नजर में क्या था कि जो सुपीरियर होता है वो जो कमांड देता है वही होता है लॉ। ऑस्टिन ने अपने कॉन्सेप्ट को दो में डिवाइड किया था, एक था आपका जनरल जूरिस्प्रूडेंस और एक था पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल वो था जिसमें सब्जेक्ट्स या एंड्स ऑफ द लॉ वो थे जो कॉमन है, जो हर एक सिस्टम के लिए कॉमन है, सब पे अप्लाई हो जाते हैं। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस ये वो साइंस है किसी भी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ की या किसी पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में बात करता है, ये सब पे लागू नहीं होता है। अब प्रॉब्लम क्या थी, आखिर प्रॉब्लम क्या थी ऑस्टिन की थ्योरी की? तो ऑस्टिन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये हुआ कि सामंड ने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये सच में कॉमन होना चाहिए वेरियस सिस्टम ऑफ लॉ के लिए। होलैंड ने कहा कि इट इज ओनली द मटेरियल दैट इज पर्टिकुलर एंड नॉट द साइंस इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो मटेरियल है इसमें वो पर्टिकुलर है जिसको ये लोग पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस से डिफाइन कर रहे हैं, ना कि इसमें कोई भी साइंस है जो मैटर कर रही है। This is not always true कि there should be a concept that falls in either of the two categories, ठीक है। तो ये भी उनका कहना था कि ये हमेशा सच नहीं होता है कि एक ऐसा भी concept यहाँ पे हो सकता है जो दोनों categories में ना लाए करे। डायस ने कहा कि कोई भी maturity नहीं दिखती है इनकी theory में। Now अब आते हैं बेंथम। बेंथम की legal philosophy को utilitarian individualism कहा जाता है। बेंथम के हिसाब से जो purpose था law का वो था bring pleasure and avoid pain, ठीक है, खुशियां लाना, दुख को कम करना।
क्रिटिसिज्म इनकी थ्योरी का क्या हुआ? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेंथम की, तो ये मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर्स की बात करते थे। इनका कहना था जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा खुशियां बांटी जानी चाहिए। ठीक है, सो वही मैंने कहा जिनका एम था, पर्पस था लॉ का, कि कोई लॉ ऐसा होना चाहिए जो लोगों के जीवन में खुशियां लाए और उनके दुखों को कम करे। तो फ्रेडमैन ने क्या कहा कि बेंथम की थ्योरी में दो वीकनेस है। पहला तो क्या है कि ये मटेरियलिज्म को आइडियलिज्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, मतलब खुशी प्लेजर। अब प्लेजर कोई आइडियल प्लेजर क्या है, एंड देन कुछ लोग हैं जिनके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग में प्लेजर है। तो क्या है कि पहला तो ये एफर्ट जो है वो मटेरियलिज्म को आइडियलिज्म के साथ ब्लेंड करना है। सेकेंडली ये जो थ्योरी है ये फेल हो जाती है टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद दैट ऑफ द कम्युनिटी। ये थ्योरी जो है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को बैलेंस नहीं कर पा रही है कम्युनिटी के इंटरेस्ट के साथ। एंड इट वॉज अफर्म बाय मैनी ज्यूरिस्ट कि जो प्लेजर एंड पेन है ये फाइनल टेस्ट नहीं हो सकता लॉ की एडिक्वेसी को समझने के लिए। दिस इज नॉट द फाइनल टेस्ट कि जिसके बेसिस पर आप पूरी लॉ की कहानी को समझो। लॉ एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया होना चाहिए जो बैरियर को रिमूव करे एक इंडिविजुअल फ्रीडम में। लेकिन लेटर टाइम्स में लेजिस्लेशन आपका यूज किया जाने लगा इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इकोनॉमिक मैटर्स में। ना थॉमस होलैंड क्या कहते हैं? थॉमस होलैंड कहते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता हो गया इनका। जैसे ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ कहा, इन्होंने कहा कि ये फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। ना फॉर्मल साइंस इनका मतलब क्या था? जो वेरियस रिलेशन से डील करता हो जिनको लीगल रूल से रेगुलेट किया जाए। ठीक है, लीगल रूल्स से रेगुलेट किया जाना वेरियस रिलेशन का बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ी सी साइंसेस में आ गई, लेकिन इनकी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। ग्रे ने कहा कि जो रिलेशन होता है ज्यूरिसप्रूडेंस का लॉ में वो डिपेंड करता है कि अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड एंड हाउ लॉ इज ट्रीटेड, लॉ को ट्रीट कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। नाउ जेंक का ये ओपिनियन था कि ज्यूरिसप्रूडेंस आपका फॉर्मल साइंस नहीं कहा जा सकता। ज्यूरिस्ट हैविंग गॉट द फॉर्म एज इट हैड टू डिसेक्ट एंड असर्टेन इट्स मीनिंग, ही ऑल्सो सेड कि होलैंड जो है वो डिमार्केट नहीं कर सकते बाउंड्री ऑफ द सब्जेक्ट को प्रॉपरली। सामन ने क्या कहा? सामन ने कहा कि ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है। अब आप देखो कहीं ना कहीं साइंस के अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि पीपल आर डिफाइनिंग द लॉ, दे आर रिलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉ विद द लीगल रूल्स। तो जब तुम साइंस पढ़ते हो तो साइंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, साइंस में उन रूल्स पर ही सारी चीजें होती हैं कि हाँ ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक, सब चीजें फिक्स है। तो पीपल आर डूइंग व्हाट, अपनी चीजों को अफर्म करने के लिए दे आर कनेक्टिंग द लॉ विद द साइंस कि हाँ लॉ के कुछ रूल्स होते हैं एंड जब वैसा फॉलो किया जाएगा तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, नाउ बाय लॉ उनका मीनिंग था इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ द लैंड और द सिविल लॉ। ठीक है, लॉ का बाय लॉ उनका क्या मतलब था कि उसमें हम लोग लॉ ऑफ द लैंड को इंक्लूड करेंगे या सिविल लॉ को। एंड उनकी थ्योरी में उन्होंने तीन तरह के ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करी थी सामर ने। पहला जो ज्यूरिसप्रूडेंस था वो था एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक है, ना उनके हिसाब से ये इस तरह का ज्यूरिसप्रूडेंस होता है जो डील करता है विद द कंटेंट्स ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम एज एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो। क्या है एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक? ये वो है जो एक्चुअल लीगल सिस्टम आपका अभी चल रहा है। ठीक है, चाहे अभी चल रहा है, प्रेजेंट की बात कर लो, गुड आफ्टरनून शिवांगी। ठीक है, सो एक्चुअल लीगल सिस्टम। अब आप जानते हो मैंने आपसे कहा कि ज्यूरिसप्रूडेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पास्ट। तो जब पास्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पास्ट में भी हम किसी पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब उसके बारे में हमने पढ़ा तो उसके बारे में जो पूरा डिटेल में कंटेंट्स प्रोवाइड करता है दैट इज द एक्सपोजिटरी। अब मैं बात करूं कि प्रेजेंट में आपका लीगल सिस्टम क्या है, तो जब उसके कंटेंट्स के बारे में बात होता है अगेन दैट इज एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिसप्रूडेंस। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रिवेलिंग लीगल सिस्टम होता है उनके कंटेंट्स के बारे में जब डील करता है ज्यूरिसप्रूडेंस तो दैट इज द एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिसप्रूडेंस। नाउ कमिंग टू द लीगल हिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब बैकग्राउंड की बात हो रही है। तो ये ज्यूरिसप्रूडेंस आपका जो होता है ये ऐसे लीगल सिस्टम से डील करता है जो आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कवर करता है। ठीक, नाउ व्हाट इज द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन? तो ये जो ज्यूरिसप्रूडेंस है जिसका पर्पस होता है लॉ ऑट टू बी। ठीक है, ऑट टू बी का मतलब क्या होता है? लॉ कैसा होना चाहिए, एक आइडियल लॉ। जब हम बात करते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए तो ये उसके बारे में बात करता है, ये एक आइडियल लीगल सिस्टम के बारे में बात करता है एंड पर्पस जिसके लिए वो एग्जिस्ट करता है।
लेकिन अब ये तो मैंने कहा कि सामण ने बताए थे तीन तरह के, ठीक है, सामण ने तीन तरह के बताया, एक उन्होंने एक्सपोजिटरी बताया, एक उन्होंने लीगल हिस्ट्री बताया और एक उन्होंने साइंस ऑफ लेजिस्लेशन बताया। लेकिन अब इनकी थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। इन जनरल इनकी थ्योरी को इस ऑब्जर्वेशन पे क्रिटिसाइज किया गया कि ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दे पाए हैं। ये ज्यूरिसप्रूडेंस को कभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं एक्चुअल लीगल सिस्टम का जो कंटेंट होता है वो ज्यूरिसप्रूडेंस है, कभी ये कह रहे हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए वो ज्यूरिसप्रूडेंस है। बेसिकली इन्होंने सब कुछ मिला के खिचड़ी बता दी है कि हर एक चीज को इन्होंने डिफाइन करके ज्यूरिसप्रूडेंस बोल दिया। तो इस बेसिस पर इनको क्रिटिसाइज किया गया। कई जूरिस्ट ने इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज करा कि इन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस की फील्ड को बहुत नैरो कर दिया है इसको साइंस ऑफ सिविल लॉ बता के, हेंस ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम कवर कर रहा है। नाउ कमिंग टू अदर डेफिनेशंस, हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली हैं एंड मेक श्योर कि डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, इनको तो याद कर लेना, मतलब पूरी डेफिनेशन अगर ना याद कर पाओ तो एटलीस्ट एक एक आपको वर्ड याद होना चाहिए। जैसे ऑस्टिन से आपको याद होना चाहिए कमांड ऑफ द सॉवरेन, बेंथम की जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी थ्योरी वर्ड आपको याद होना चाहिए, इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म वर्ड याद होना चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थॉमस ओलैंड की हम बात करें तो फॉर्मल साइंस वर्ड याद कर लो लॉ का। तो इस तरीके से वर्ड्स याद कनेक्ट कर लीजिए एंड फिर आपको हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू आना है पेपर में, तो एमसीक्यू जब रहेगा तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन में वो टर्म्स मिल जाएंगे। Now, Ulpian एक रोमन ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने ज्यूरिसप्रूडेंस को क्या कहा, अब यहाँ पे वर्ड क्या याद कर लो, जस्ट एंड अनजस्ट याद कर लो, डिवाइन और ह्यूमन याद कर लो, ठीक है। इन्होंने कहा था ज्यूरिसप्रूडेंस नॉलेज है किन चीजों की, जो चीजें डिवाइन और ह्यूमन है, मतलब दोनों ही कवर कर दिया, दैवीय और मानवीय दोनों को ही कवर कर दिया, एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अब ये कितनी अजीब डेफिनेशन होती है कि आप खुद बता रहे हो जो जस्ट है वो भी ज्यूरिसप्रूडेंस है, जो अनजस्ट है वो भी है, भाई एक ट्रैक पे रहो ना, दोनों ट्रैक पे बात क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। तो है अजीब लेकिन हमें याद करना ही है, ठीक है। सिसरो ने क्या कहा था, सिसरो के लिए एक वर्ड याद रखना, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो सिसरो ने ज्यूरिसप्रूडेंस को कहा था कि जो नॉलेज ऑफ लॉ का फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है वो होता है ज्यूरिसप्रूडेंस। कांत ने क्या कहा, कांत ने कहा ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो साइंस ऑफ राइट है। रॉस्को पाउंड ने क्या कहा, रॉस्को पाउंड ने साइंस ऑफ लॉ कहा। मैंने कहा नहीं, साइंस साइंस साइंस, इतना साइंस दिखेगा ना, हर किसी ने एक दूसरे को देख के साइंस रख दिया। ग्रे ने क्या डिफाइन किया, ग्रे ने कहा कि ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, ये स्टेटमेंट है, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रूल्स का जो कि कोर्ट फॉलो करती है एंड प्रिंसिपल जो रूल्स में इन्वॉल्व है। अब आप ये कैसे याद रख सकते हो, ग्रे जो थे वो रियलिस्ट स्कूल के थे, ठीक है, एंड रियलिस्ट स्कूल जो था वो कोर्ट्स में बिलीव करता था, वो कहता था कोर्ट्स ने जो कह दिया वही हमारा डिसीजन है। तो अब देखना, ये कह रहे हैं साइंस ऑफ लॉ है, स्टेटमेंट और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रूल्स का जो कि कोर्ट्स फॉलो करते हैं एंड जो भी प्रिंसिपल उनके रूल्स में इन्वॉल्व है, ठीक। एलन ने क्या कहा, एलन ने ज्यूरिसप्रूडेंस को डिफाइन करा, उन्होंने कहा साइंटिफिक सिंथेसिस है, ये वर्ड याद करना, साइंटिफिक सिंथेसिस, ठीक है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का साइंटिफिक सिंथेसिस है। जूलियस स्टोन के लिए क्या वर्ड याद करोगे, एक्सट्रावर्जन, अरे एक ही है, लॉयर्स एक्सट्रावर्जन। लास्की ने क्या कहा, आई ऑफ लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, लॉ की आंखें हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप अगर आप अभी आपका छूट गया होगा, अगर आप अभी नोट नहीं कर पाए होंगे तो बाद में फिर से ये वाला लेक्चर देख के पॉज करके इसको जरूर से जरूर नोट कर लेना और याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताती हुई चल रही हूँ। नाउ स्कोप के बारे में, स्कोप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फटाफट से एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो स्कोप की बात जब हम करते हैं तो ज्यूरिसप्रूडेंस, भाई मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें कई सारे डिसिप्लिन हैं जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके हम ज्यूरिसप्रूडेंस को समझ सकते हैं। लॉ क्या है, लॉ आपका डायनेमिक है, लॉ आपका बदलता रहता है समय के साथ, और लॉ को आप हर एक सब्जेक्ट से कनेक्ट करके समझ भी सकते हो, इसीलिए ज्यूरिसप्रूडेंस को मदर डिसिप्लिन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ज्यूरिसप्रूडेंस आपका लॉ, कल्चर और सोसाइटी, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। कि लॉ है अगर तो आपको मालूम है कि कल्चर, सोसाइटी, लॉ क्या करता है, लॉ आपकी सोसाइटी को गवर्न करता है। तो जब सोसाइटी को गवर्न कर रहा है तो सोसाइटी आपकी किस पे चलती है, वो कस्टम पे चलती है, वो कल्चर पे, यूसेज पे चलती है, तो डेफिनेटली उसके रिलेशन को भी इस्टेब्लिश करता है एंड जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको समझने में हेल्प करता है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट जो ज्यूरिसप्रूडेंस का है वो लीगल लॉजिक पे फोकस करना है, क्योंकि इट ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क,
इसमें डिफरेंट रीजनिंग की भी बात होती है, जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जो छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अपने लॉ में, वो सब ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले समझाई गई है, अलग अलग फिलोसोफर्स ने, जूरिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया है। ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, रेशियो डिसेंडाई क्या होता है, ये सब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। हाउएवर, ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप आपका लीगल लॉजिक से बियॉन्ड जा सकता है, लेकिन ये अदर फील्ड्स को भी इनकम्पास करता है, लाइक साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी है, एथिक्स है, इन सबसे आप रिलेट करके बहुत आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ को वैक्यूम में क्रिएट नहीं किया गया था, खाली कमरा नहीं था कि वहां पे बैठ के लॉ को बना दिया है। जब मैंने कहा कि लॉ आपका कनेक्टेड है सोसाइटी से, तो सोसाइटी में जितनी चीजें रेगुलेट हो रही हैं, जो भी चल रही हैं, उन सब से लॉ आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से लॉ को शेप किया गया है, लॉ को सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से शेप किया गया है। इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो काम है वो उसको समझना है कि किस तरीके से वेरियस फील्ड्स जो है वो लॉ में इंटरसेक्ट करती है एंड कैसे वो लीगल प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, ऑल्सो ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस लिए समझना इंपॉर्टेंट है, जब हम नेचर ऑफ लॉ को समझना चाहते हैं, या मैं आपसे कहूं कि अगर मैं बाकी के लॉ को समझना चाहती हूं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना। ये क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है। अगर मैं कहूं लॉ कहां से आया, अगर मैं ये कहूं कि लॉ की जरूरत क्या है, मैं कहूं कि लॉ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सब के लिए हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये अलग अलग जगहों के ब्रिटिशर्स हो गए, चाहे वो आपका यूएस का हो गया, चाहे रशिया का हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, हर जगह के लीगल सिस्टम को समझने में मदद करता है, वहां के ट्रेडिशंस क्या हैं और लॉ आपका कैसे इवॉल्व हुआ है समय के साथ, ये हमको हेल्प करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस समझने में। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं, बहुत वास्ट है, इसमें वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। एक एसेंशियल फील्ड है स्टडी के लिए, लीगल सिस्टम को समझने के लिए, एंड रोल क्या है लॉ का सोसाइटी में, रोल क्या है उसको समझने के लिए बहुत मदद करता है, एंड एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपका लीगल थ्योरी को शेप करने के लिए। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बात करूं कि क्या रिलेशन है, तो सोशियोलॉजी, और मैं थोड़े से बहुत ही मैं ब्रीफ में इसकी बात करूंगी क्योंकि दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सोशियोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर मैं कहूँ तो भाई ये बहुत सीधी सी बात है कि मैंने कहा कि लॉ जो है वो सोसाइटी में लॉ रेगुलेट करता है बिहेवियर को, तो सोसाइटी जब यहाँ पर आ रही है तो वहां पे सोशियोलॉजी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट जो थे वो लॉ का इफेक्ट सोसाइटी में क्या है उसको देखने के लिए उन्होंने इस दोनों चीजों को कनेक्ट किया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक स्टडीज आपकी वेल्थ पर फोकस करता है, अगेन सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर फोकस करता है, लाइव्स लोगों की रेगुलेट कैसे हो रही है, तो लॉ क्या करता है, लॉ भी रेगुलेट करता है लाइव्स ऑफ द पीपल को, इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है समझने के लिए। हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एथिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो एथिक्स आपका फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि लॉ जो है आपका एक आइडियल स्टेट में कैसे हो सकता है। ठीक, और एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका फैक्ट पे बात करता है कैसे लॉ को पॉजिटिव एथिक्स अफर्म करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट, पॉलिटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो यहाँ पर कोई भी हिडन एजेंडाज आपके नहीं है पॉलिटिक्स में देखा जाए, अगर लॉ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा तो सीधी सी बात है उस लॉ की जगह सोसाइटी में नहीं होगी, तो लॉ आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री से इन्फ्लुएंस होना चाहिए एंड दैट इज व्हाई कंट्रीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करती है, बट इतना नहीं होना चाहिए कि लॉ की कोई सोसाइटी में जगह ना रहे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, अब लॉ के सोर्सेज क्या हैं? तो जॉन साल्मन जो थे लीगल स्कॉलर, ठीक है, कुछ लोगों के नाम आपको हर जगह दिखेंगे, साल्मन का नाम आपको हर जगह दिखेगा, साल्मन ने अपना व्यू हर जगह दिया है भाई, उनको तो हर जगह बोलना था। ठीक है, तो साल्मन, जॉन साल्मन जो थे लीगल स्कॉलर, ये अपनी आइडियोलॉजीज के लिए जाने जाते हैं लॉ पर इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। इन्होंने कहा एक होता है मटेरियल सोर्सेज और एक होता है फॉर्मल सोर्सेज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम,
मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ वो सोर्सेज होते हैं जहां से लॉ को अपना कंटेंट या मैटर मिलता है लेकिन वैलिडिटी नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल कंटेंट की बात हो रही है। तो मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ वो है सोर्सेज जिससे लॉ को अपना कंटेंट तो मिल जाता है, अपना मैटर तो मिल जाता है, मटेरियल तो मिल जाता है, लेकिन वैलिडिटी नहीं मिलती है। अब इसमें इन्होंने बताया कि दो तरह के मटेरियल सोर्सेज भी होते हैं, एक होता है लीगल सोर्सेज और एक होता है हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। लीगल सोर्सेज आपको समझ रहे हो, जब लॉ की मदद से हम कोई चीज लेते हैं, मतलब स्टैट्यूट के द्वारा कोई भी चीज आई है या हम उसको लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो जब हमें मिल रहा है तो वो लीगल सोर्सेज हो गया। ठीक, तो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो स्टेट यूज करता है, जो लीगल रूल्स को क्रिएट करते हैं। ये नेचर में अथॉरिटेटिव होते हैं एंड इनको कोर्ट ऑफ लॉ फॉलो करता है। ये सोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो न्यूअर लीगल प्रिंसिपल्स को परमिट करते हैं। सामन के हिसाब से लीगल सोर्सेज जो है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया। अब आप समझना, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो दो दिया, एक था फॉर्मल और एक था मटेरियल। अभी हम मटेरियल पढ़ रहे हैं। फिर मटेरियल में इन्होंने कहा दो होता है, एक होता है लीगल और एक होता है हिस्टोरिकल। अब लीगल में भी चार है, एक होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आपको पता है वो लॉ होता है, एक्ट होता है जो स्टैट्यूट के द्वारा बनाया जाता है। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट पुराने जजमेंट्स होते हैं कोर्ट के, जो खुद उसको जजमेंट्स को फॉलो करती है, जो बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्ट्स पे। कस्टमरी लॉ क्या होता है, जो कस्टम चला आ रहा है एंड वो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल ऐसा चला आ रहा है कि अब वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। कन्वेंशनल लॉ क्या है, ये वो प्रैक्टिस होती है जिसको समय के साथ लॉ के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये जनरली वहां पर होता है जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूके, वहां पे कन्वेंशंस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गए लीगल सोर्सेज। अब हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं बिना वैलिडिटी और अथॉरिटी को इफेक्ट करे। अभी मैंने क्या कहा, मटेरियल में क्या था कि कंटेंट है लेकिन वैलिडिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वैलिडिटी प्रोवाइड करी जा रही है। लॉ के डेवलपमेंट के बारे में बात होती है लेकिन उसकी वैलिडिटी और अथॉरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये लीगल रूल्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लीगल और हिस्टोरिकल में अगर मैं बात करूँ डिफरेंस क्या है, तो वो ये है कि जो लॉज हैं उनका हिस्टोरिकल सोर्स है, बट वो उनके पास लीगल सोर्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नाउ फॉरेन कोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो इसमें आता है, ठीक है, हिस्टोरिकल में आता है। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मल में। तो फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं थ्रू विच स्टेट अपनी विल को पूरा करता है, ठीक है, स्टेट अथॉरिटी देता है, स्टेट उसको वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इन जनरल जो स्टैट्यूट्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं ये आपके मॉडर्न फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। लॉ फोर्स डराइव करता है अथॉरिटी एंड वैलिडिटी फॉर्मल से, मतलब मैं कहूँ कि कोई चीज वैलिड कब मानी जाएगी, तो वो फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं जिसको हम वैलिड मानते हैं। मटेरियल में क्या है, उन चीजों की वैलिडिटी नहीं है, वो चीज फिर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हिस्टोरिकल सोर्स है अगर आपका, तो वो हमें कंटेंट दे रहा है कि हाँ उस जमाने में ये चीज ऐसी दिखती थी, उस जमाने में ये लिखावट पाई गई है, तो मतलब ये लोग ऐसी भाषा लिखते थे, ये कपड़े दिख रहे हैं मतलब लोग ये पहनते थे, ये ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर मतलब लोग यहाँ पे खाते थे, यहाँ पे नहाते थे, यहाँ पे रहते थे, ये सब चीजें हमने हिस्ट्री में पढ़ी। तो वो कंटेंट दे रहा है लेकिन वो ठप्पा नहीं लगा रहा है वैलिडिटी का कि किस हद तक वो चीजें सही हैं। हम बस एक अंदाजा लगा रहे हैं, इन चीजों को देख के हम समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। बट फॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं, ये ठप्पा लगाते हैं, ये कंफर्मेशन दे देते हैं कि नहीं ये चीज है तो है। अब उसमें क्या आएगा, उसमें स्टैट्यूट्स आएंगे कि हाँ ये एक्ट बना था, इस एक्ट में ये चीजें लिखी हैं, तो मतलब इस हिसाब से काम हो रहा था। फिर कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो कोर्ट ने इतना पुराना जजमेंट दिया था, इस फलाने तारीख को दिया था, इस जज ने दिया था, साइन किया था, तो ये वैलिडिटी आपकी मिल गई, ठीक है। तो फॉर्मल सोर्सेज वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कीटॉन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन जो सामंत का था वो फ्लॉड था। कीटॉन का कहना था कि भाई सामंत ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें बहुत कमियां हैं। तो इन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ मैं कैसे क्लासिफाई करता हूँ। तो इन्होंने कहा एक होता है बाइंडिंग सोर्सेज, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं उनको जजेस जो होते हैं वो बाउंड होते हैं उन सोर्सेज ऑफ लॉ को अप्लाई करने के लिए, जैसे स्टैट्यूट्स या लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड कस्टम, ठीक। ये बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ की कीटॉन ने बात करी कि इनको अप्लाई करना जजेस के लिए बहुत जरूरी होता है। देन उन्होंने कहा एक होते हैं परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, जो लीड देता है,
ठीक है, जो बाइंडिंग नहीं है, जो लीड मिलता है जिससे हमें समझ में आता है कि हम हमें कहाँ जाना है। तो परसुएसिव जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन इनको कंसिडर किया जाता है जब बाइंडिंग वाले अवेलेबल नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिसाइड करने के लिए। ऐसे सोर्सेज का एग्जाम्पल जो है आपका फॉरेन जजमेंट्स हो गया, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी है, इक्विटी है, जस्टिस है, प्रोफेशनल ओपिनियंस है। ठीक, अब ये सब क्या है, ये हमें हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टैट्यूट है लेकिन कहीं पर आंसर नहीं मिल पा रहा है हमें किसी पर्टिकुलर चीज का, तो हम लोग अपनी मोरालिटी, हम लोग मॉरल प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान देते हैं, हम लोग इक्विटी के प्रिंसिपल्स पर देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है, हम लोग कंसाइंस पे बिलीव करते हैं कि हमारी अंतरात्मा इस पे क्या कह रही है, जस्ट क्या है, सही क्या है, प्रोफेशनल्स का ओपिनियन लेते हैं। तो वो सोर्सेज जो हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद करते हैं वो परसुएसिव सोर्सेज कहलाते हैं। प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, अब ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ कैसे काम करता है। तो जो जुडिशियल प्रोसीडेंट्स होते हैं वो आपके डिसीजन होते हैं जो कोर्ट्स देता है अलग अलग केसेस में। जुडिशियल डिसीजन का एक लीगल प्रिंसिपल होता है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा सबॉर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट मानेगी, नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मानेगा, छोटी कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का मानेगी, इस तरीके से ये साइकिल चलती है। तो एक बार अगर कोर्ट ने अपना जजमेंट एक पर्टिकुलर केस पे डिलीवर कर दिया है तो जितनी भी कोर्ट उसकी सबॉर्डिनेट है वो उस प्रेसिडेंट से बंध जाती है। जब जब वो सिमिलर केसेस पे सिमिलर फैक्ट्स पे डिसाइड करेगी, मतलब जब लगभग लगभग सेम केस जब जब सामने आएगा कोर्ट्स के, तो कोर्ट्स को यही डिसाइड करना पड़ेगा जो जजमेंट दिया जा चुका है। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो कुछ इन्फ्लुएंशियल जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आपके रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब आज की डेट में जब भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात होती है तो केशवानंद का नाम जरूर आता है। जब भी कभी किसी नए फीचर को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, तो केशवानंद का नाम जरूर आएगा। तो एक लीगल प्रेसिडेंट ही तो है ये। इन द सेम वे ज्ञान कौर की अगर हम बात करें, तो जब जब हमने राइट टू डाई की बात करी है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई और इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, जब जब हमने इस टॉपिक पे बात करी है तो ज्ञान कौर का केस जरूर डिस्कस हुआ है। तो ये बन गया आपका एक प्रेसिडेंट। मनेका गांधी की बात करूं, जब जब आर्टिकल 21 की बात होती है, जब बात होती है राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में, तो मनेका गांधी को हम जरूर बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, हम मनेका गांधी को जरूर कंसिडर करते हैं। कमिंग टू इंदिरा साहनी, जब जब रिजर्वेशन की बात होती है इंदिरा साहनी जरूर डिस्कस होता है। आज भी लेटेस्ट आपका रिजर्वेशन को लेके EWS जब हुआ था तो इंदिरा साहनी की बात हुई। इनफैक्ट ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी आपका बना कि इंदिरा साहनी को वायलेट कर रहा है, इंदिरा साहनी में जो कहा गया था वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। 50% रिजर्वेशन बोला गया था, सीलिंग लगाई गई थी, लेकिन वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गुड आफ्टरनून अरुण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अच्छा चलो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले मुझे बता दो, काफी काफी पोर्शन हमने कवर कर लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, तब आगे बढ़ेंगे। सो समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ओके चलो, ओके ऐश्वर्या, ठीक है। अब जो लोग पढ़ चुके हैं उनका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो लोग अभी ज्यूरिसप्रूडेंस से भाग रहे थे, उनको डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिलेगा ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ने के लिए, एंड जिन लोगों का अच्छे से प्रिपेयर था उनको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि
मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स हैं, लीगल जार्गन्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग जुरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जुरिस्प्रूडेंस में समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओबिटर डिक्टा का नाम लिया था, मैंने स्टेयर डिसिसिस बोला था, मैंने रेशियो डिसेंडाय बोला था, तो मैंने आपको ये चीज बताई कि ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है हम लोग जुरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेयर डिसिसिस का डॉक्ट्रिन क्या होता है। जो अथॉरिटी है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस पर है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब। ठीक है, जिसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रेसिडेंट्स आपके एक लंबे समय से वैलिड रहे हैं अब उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट्स एक लंबे समय से चले आ रहे थे, वैलिड माने जा रहे थे, अब उनके साथ छेड़खानी करके उनको इनवैलिड हमें घोषित नहीं करना है। इंडिया में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो हायर कोर्ट के प्रेसिडेंट से बाउंड होती हैं, और जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो अपने खुद के प्रेसिडेंट से बाउंड होते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, जो नीचे की अदालतें हैं, आपकी लोअर कोर्ट्स है, वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन से। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने खुद के डिसीजन से बाउंड है। अब ये नहीं है कि आज किसी टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, कल को कुछ कहा, परसों फिर वापस वही कहा, नरसों फिर बदल दिया, इतना भी वेरिएशन नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ कि लॉ डायनेमिक है, लॉ समय के साथ बदलता है, तो समय बदलने का तो वेट करो ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि आज एक जज बेंच बैठी है वो कुछ कह रही है, परसों कोई कुछ कह रही है, नरसों कुछ कह रही है। एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम का डिफरेंस हमें दिखना चाहिए जिसकी वजह से हम कह सकें। जैसे अडल्ट्री के केस में, आज की केस में जोसेफ शाइन में हमने कहा कि आपका 497 जो है अडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज के डेट में जो वुमेन है वो जो है अपने अपने हस्बैंड की नौकरानी नहीं है, शी इज नॉट द चैटल। ठीक है, दूसरी चीज, वो उसका मास्टर नहीं है, हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर, जैसा मैंने कहा कि वो बीवी नौकरानी नहीं है अपने पति की। तो क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, आज की डेट में उसको दुनिया की समझ है, वो घर से बाहर निकलती है, वो समझती है दुनिया में कैसे लोग हैं, क्या है, उसको बहलाया बहलाना फुसलाना आसान नहीं है। पहले के जमाने में, मैं पीछे चली जाऊं, जब हम लोग आर्टिकल 14 को चैलेंज तो बार बार कर रहे थे 497 के केस में, लेकिन फिर भी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, कहा जा रहा था उस टाइम पे महिलाओं को बहलाना फुसलाना आसान था, माना जा रहा था कि उसको इन्फ्लुएंस ही किया गया होगा। तो जब ऐसी चीजें थी तो इन दैट केस देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम और आज के समय में, एक टाइम डिफरेंस हमें देखा जा रहा है, तब उस चीज को हम एक्सेप्ट कर पाए हैं। अब आप कहो कि आज हमने ये कहा, फिर परसों हम कह दे नहीं 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 महिलाएं तो हस्बैंड तो मास्टर है, फिर हमने फिर चेंज करा, नहीं हस्बैंड मास्टर नहीं है, फिर हमने कहा हस्बैंड मास्टर, तो ये चीजें क्या करेंगी, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसीलिए बाउंड होना जरूरी है, आप अपने जजमेंट से बाउंड रहोगे, आप हायर कोर्ट के जजमेंट से बाउंड रहोगे, तब आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस तरह का जजमेंट देना है। हर आदमी नहीं तो अपना मनमानापन करेगा। तो व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट, तो एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो स्टेयर डिसिसिस का आसान मीनिंग क्या हुआ, एक लंबे समय से जो चीज वैलिड रही है आप उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते हो, जो चीज अनडिस्टर्ब रही है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो डिसीजन जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। इन केसेस जहां पे डिसीजंस ऑफ द कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है विद द सेम अथॉरिटी, तो लेटेस्ट डिसीजन फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स के केस में ये बहुत बार होता है कि एक हाई कोर्ट ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसको फॉलो किसको करें, तो लेटेस्ट वाला डिसीजन आप फॉलो करेंगे। एज पर 141 कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा अक्रॉस द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो खुद पे बाइंडिंग नहीं है, वो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंसिडर करना जरूरी होता है सब्सिक्वेंट केसेस में। अब मान लीजिए ये बाद वाला केस जो हमने कहा कि जहां पर वो अपने डिसीजन से बाइंड नहीं है, तो द थिंग इज कि उसके पास सफिशियंट रीजन होना चाहिए डेविएट होने के लिए। अगर वो कल को अपने पिछले डिसीजन से हट रहे हैं तो उनके पास इतना सफिशियंट रीजन होना चाहिए कि वो बता सके कि वाई वी आर डेविएटिंग फ्रॉम अवर अर्लियर डिसीजन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा सीधी सीधी बात ये करता है कि भाई अगर कोई मैटर ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है
तो सेम मैटर को सेम कोर्ट में सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर पर ट्राई नहीं किया जाएगा दोबारा, बस कोर्ट का समय बचाया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा का मतलब है जिस सब्जेक्ट मैटर को एडजज किया जा चुका है, कोर्ट अपना दिमाग लगा चुकी है जिस केस पे। एक बार आपका लॉ सूट डिसाइड हो गया है, अब पार्टीज को बार कर दिया जाता है कि वो सेम इशू को फिर से कोर्ट में नहीं लेके आएंगे जब तक कि कोई नया मटेरियल फैक्ट डिस्कवर नहीं हो जाता। अब आप सोचो कि एक बार हम केस को लेके गए, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचते हैं एक बार हम लेके गए, अरे यार उसके फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, अब हम फिर से जाएंगे, क्या पता इस बार मेरे फेवर में दे दे दूसरा जज बैठा हो। नहीं, क्या कोर्ट के पास इतना समय फालतू है क्या? नहीं ना, आप ही का केस थोड़ी ना सुनने के लिए बैठी है। तो जब सेम इशू सेम कोर्ट में सेम पार्टीज के बीच में नहीं लाया जा सकता दोबारा, एक बार जब एडजुडिकेट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल आपके नए मटेरियल फैक्ट्स उस केस में ना दिखें। दे कांट रेज अनदर इशू अराइजिंग फ्रॉम द सेम क्लेम ईदर सिंस दे कुड हैव रेज द सेम इन द प्रीवियस सूट। ठीक है, तो दूसरा इशू रेज नहीं किया जा सकता सेम क्लेम में जब तक कि आपने अगर प्रीवियस सूट में उसको रेज नहीं किया था तो आप फिर से नहीं कर सकते हो। अब रेस जुडिकेटा तो आपने अगर सीपीसी में पढ़ा होगा तो आपने एक्सप्लेनेशंस पढ़े होंगे उसमें, जो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं जिससे समझ में आता है कि आपको कब क्या करना चाहिए था। कमिंग टू द अनदर कॉन्सेप्ट रेशियो डेसेंडाई, नाउ व्हाट इज दिस? सामंड के हिसाब से मैंने क्या कहा, सामंड हर जगह है, ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस में सामंड हर जगह है। तो प्रेसिडेंट एक जुडिशियल डिसीजन होता है जो लीगल प्रिंसिपल कंटेन करता है विद एन अथॉरिटेटिव एलिमेंट। अब समझना, पूरे जजमेंट में एक पोर्शन ऐसा होता है जो लीगल प्रिंसिपल की बात कर रहा होता है एंड जो हमें इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर जजमेंट को समझने के लिए, जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट को हम रेशियो डिसेंडाई कहते हैं, मतलब जहां पर कोर्ट रीजन देती है डिसीजन का। एक तरफ कोर्ट ने कहा कि आज से एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये तो डिसीजन हो गया, लेकिन जजमेंट का वो पैराग्राफ जहां पर कोर्ट ने रीजन दिया होगा कि वाई, जब उन्होंने कहा कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ, जब उन्होंने कहा कि एक समय पर विमेन इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो हस्बैंड के हिसाब से चलती थी, उनपे डिपेंडेंट थी, उनको दुनिया की समझ नहीं थी, ये सारी चीजें क्या है, ये रेशियो डिसेंडाई है जिसमें कोर्ट जो है डिसीजन के पीछे का रीजन दे रही है। सो व्हेनेवर अ जज केस देता है टू डिसाइड ऑन, तो उसको एडजुडिकेट करना होता है, ठीक है, इवन चाहे उस पर कोई स्टैट्यूट या प्रेसिडेंट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल आपका जो डिसीजन को गवर्न करता है वो रीजन होता है एंड जिसको हम लोग रेशियो डिसेंडाई कहते हैं। Now what is arbiter dicta? Arbiter dicta का मतलब होता है mere say by the way। अब क्या होता है ना कि देखो ऐसा तो है नहीं जो जज है वो सिर्फ जज है, ठीक है, he is the person, he or she is the person जिसके अंदर कुछ ना कुछ qualities होती है। Many times you have seen कि कुछ judges बहुत poetry way में लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है यार ये हो सकता है इनको कविताएं लिखने का शौक है, ये poet है, ठीक है। On the other hand कुछ होते हैं जो थोड़ा सा comedy way में उसको लेके जाते हैं statements को। You will find various statements given by the judges जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से लिंक करता है, जहां पे metaphor type में यूज होती है चीजें या some way or the other way, उसको हम लोग arbiter dicta कहते हैं, ठीक है, जो केस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है डेफिनेटली, लेकिन केस को पढ़ने में एक इंटरेस्ट डेवलप करता है हमारे आपके लिए, या फिर समवेयर हमारे अंदर एक थॉट को डेवलप करेगा जिससे हम आगे दूर तक सोच सकते हैं। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमारे लिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें समझ में आता है कि जजमेंट राइटिंग में किस तरीके से चीजें फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं। तो एक मियर से बाय द वे ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, जज का मन किया, ही और शी जस्ट गेव सम स्टेटमेंट लिंक करते हुए एंड दैट इज कॉल्ड द arbiter dicta। तो ये वो स्टेटमेंट ऑफ लॉ होते हैं जो केस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते बट जजमेंट जो है कुछ लीगल प्रिंसिपल्स तो बोलता ही है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल जब उनको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट केस है, लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट होगा, तो वो कोई इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, वो किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी कर सकते हैं, तो वो भी arbiter dicta आपका कहलाता है, ठीक है। इसका कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो बाइंड होते हैं इन प्रिंसिपल से, उनको इस बात को समझना पड़ेगा।
ये हो गया आपका प्रेसिडेंट का पूरा कंसेप्ट. मैंने प्रेसिडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रपति की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, जिसमें हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देख ली. नाउ हम बात करेंगे लेजिस्लेशन पे एज अ सोर्स ऑफ लॉ. तो लेजिस्लेशन क्या होता है? ये वो रूल्स और लॉज होते हैं जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन आपका या गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बनाती है. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस में है. वर्ड लेजिस्लेशन आपका लेगिस और लैटम, इन दोनों से लिया गया है, जहां पे लेजिस का मतलब होता है लॉ एंड लैटम का मतलब होता है मेकिंग. दैट मींस मेकिंग ऑफ द लॉ, लेजिस्लेशन का मतलब. नाउ कितने तरह के लेजिस्लेशन होते हैं? अरे सामंत तो आएंगे ही आएंगे, सामंत को तो आना है, बिना सामंत के तो कोई बात ही नहीं कंप्लीट होती है जूरिस्प्रूडेंस में. तो सामंत ने यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड करा लेजिस्लेशन को. एक इन्होंने का सुप्रीम होता है और एक इन्होंने का सबॉर्डिनेट होता है. सुप्रीम क्या होता है? इन्होंने का लेजिस्लेशन बाय सुप्रीम तब होगा जब सॉवरेन अथॉरिटी या सुप्रीम अथॉरिटी बनाएगी, जो सबसे बड़ी है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जब वो लॉ बनाएगा तो उसे हम कहेंगे सुप्रीम लेजिस्लेशन. अच्छा, बॉडी को पावरफुल होना जरूरी है इस एक्सटेंट तक कि उसने जो भी रूल्स या लॉज बनाए हैं उसको कोई भी बदल नहीं सकता या कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता. नाउ इंडियन पार्लियामेंट को हम सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी नहीं कह सकते, क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. ध्यान देना इस बात पे, पॉइंट टू बी नोटेड. इंडियन पार्लियामेंट को हम सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बनाए गए लॉज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. अभी मैंने कहा कि जिसके बनाए गए लॉ को चैलेंज नहीं किया जाएगा वही होता है सॉवरेन. ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी डेफिनेटली कहेंगे. क्यों? क्योंकि जो वैलिडिटी ऑफ द लॉज जो ये बनाते हैं इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक. नाउ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? तो लेजिस्लेशन जब एक सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग बॉडी बनाती है उसको सबॉर्डिनेट कहते हैं. सबॉर्डिनेट बॉडी क्या है? जिसको सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी ने अथॉरिटी दी है लॉ बनाने की, वो सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग बॉडी कहलाती है. ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के कंट्रोल में रहती है. ठीक है. अच्छा, कई तरह के सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं. जैसे पहला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो गया. ये क्या होता है? तो ये आपका सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव को ग्रांट किया जाता है या कन्फर किया जाता है सर्टेन रूल मेकिंग पावर इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटेंशंस ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है. ये एक फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जहां पे एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव है समझना, एग्जीक्यूटिव बॉडी को रूल मेकिंग पावर दी जा रही है लेजिस्लेचर के इंटेंशंस को कैरी आउट करने के लिए कि आपको लॉ बनाना है. नाउ कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या होता है? तो कई टेरिटरीज हैं आपकी अक्रॉस द ग्लोब जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर लिया था. ऐसी टेरिटरीज को कॉलोनीज कहा जाता है. तो जब लेजिस्लेशन ऐसी कॉलोनीज के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में थे, तो उनको कॉलोनियल लेजिस्लेशन, अभी आज के टाइम पे नहीं है, पुराना है. ठीक. जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है? भाई कोर्ट्स के पास भी रोल है लॉ बनाने का, है ना. कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है. आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रूल मेकिंग पावर फॉर द कोर्ट्स. तो कोर्ट्स के पास भी लॉ बनाने का रोल है जो इंटरनल अफेयर्स या फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स में मदद करता है, तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन कहलाता है. म्यूनिसिपल क्या होता है? जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अपने बायलॉज बनाती है ना, अपने खुद के बायलॉज बनाती है म्यूनिसिपैलिटी, उसको म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कहते हैं. ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस वो होता है जिसका किसी पे कंट्रोल नहीं होता है. तो ऑटोनोमस वो है जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने खुद के हिसाब से चल रही हैं. ठीक है. तो सबसे अच्छा एग्जांपल यूनिवर्सिटी है. ठीक है, कि वो अपने हिसाब से चल रही है तो अपना उनका खुद का सर्कुलर होगा, अपने खुद के ऑर्डर्स आएंगे, अपने खुद के बायलॉज बनाएंगे, उन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? डेलीगेट मतलब अपना काम किसी और को दे देना. ठीक है, करने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने किसी और को कह दिया. तो कभी कभी लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट करी जाती है बाय द पार्लियामेंट प्रिंसिपल लेजिस्लेशन के थ्रू. ये प्रिंसिपल जो एक्ट होता है आपका सब्सिडरी लेजिस्लेशन क्रिएट कर सकता है. ये कई तरह से होता है, ये वेरियस फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है. जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बताया था, जाके देख सकते हो. नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ लॉ है कस्टम. तो कस्टम आपका क्या होता है? भाई कस्टम एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. मैंने आपको एक सिंपल भाषा में भी बताया था थोड़ी देर पहले. कस्टम एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है, मतलब ऐसे समय से चली आ रही है जब मैं याद करती हूँ तो मुझे याद नहीं. जब मैंने मम्मी पापा से पूछा उन्होंने कहा अरे चली आ रही है. जब उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने कहा अरे ये तो चली आ रही है. किसी को समय नहीं याद, किसी को नहीं पता ये कब से चला आ रहा है, लेकिन बस ये चला आ रहा है.
कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको लोगों ने अप्रूवल दिया है, कम्युनिटी ने अप्रूवल दिया है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और उसको ना प्रैक्टिस करने पर एक सजा भी होती है। तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग एक कोहेसिव ग्रुप बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन फेयरनेस, इक्वालिटी, लिबर्टी। तो जब रूल्स डेवलप करे जाते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, लोग आपस में मिलकर डिसीजन करते हैं, तो उसको हम एक कस्टम के रूप में देख सकते हैं। इंडिया में जैसे मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज हैं, वो सबसे ज्यादा डेवलप आपके कस्टम से होते हैं। मैरिज में आप देख सकते हो, हिंदू मैरिज एक्ट की जब आप बात करो तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेरेमनीज होती हैं। जब आप देखते हो, आपने घर परिवार में देखा होगा जब शादी होती होगी, तो जितने बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि बताओ भाई क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा। तो सारे कस्टम, क्योंकि कस्टम उन्होंने देखा है, वो चला आ रहा है, तो उनको पता है। बच्चे यहाँ पे नहीं बता सकते, बच्चे कोई हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पे बुजुर्गों की ही जरूरत होती है जो बताते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो कस्टम है इसीलिए तो ना सेवरल कम्युनिटीज जो आपकी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है, उनके खुद के कस्टम है मैरिज को लेके। एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है। वो भाई ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो अपने यहाँ अपने हिसाब से रहते हैं, उनका कल्चर और उनका कस्टम पूरा अलग होता है, इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ना मैंने जैसा कि कहा कि टाइम इमेमोरियल से है, एक ऐसा समय जब हम याद भी नहीं कर सकते हैं, तो कस्टम की कुछ जरूरतें होती होंगी ना, कस्टम का कुछ तो एसेंशियल होता होगा जिससे हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे मुझे पता चलेगा कि ये कस्टम है कि नहीं है? तो सबसे पहली बात तो वो कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, वो अनरीजनेबल बेबुनियाद नहीं होना चाहिए, फालतू का नहीं होना चाहिए कि मैं और आप कहें ये क्या कस्टम है, ये क्या इनके यहाँ प्रैक्टिस चली आ रही है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कस्टम रीजनेबल हो, कस्टम प्रैक्टिकल हो, एंड बेसिक मोरालिटी, जो सोसाइटी में मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज आज की डेट में जो फॉलो करी जाती हैं, जो हम लोग, आप लोग, हर कोई, मतलब मैक्सिमम जनता जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट करती है जिन नॉर्म्स को, उसके हिसाब से जब वो प्रैक्टिस होती है तो वो रीजनेबल कहलाता है। वहीं पे अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जनता की खाली 10% एक्सेप्ट कर रही है, तो वो रीजनेबल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, एंटीक होना जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा टाइम इमेमोरियल, मैं और आप उस समय को याद ही नहीं कर पा रहे कि ये प्रैक्टिस कब से चली आ रही है। सर्टेनिटी जरूरी है, कस्टम आपका क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए इस चीज पर कि ये कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। नेक्स्ट, कन्फॉर्मिटी विद स्टैट्यूट्स जरूरी है, स्टैट्यूट्स के साथ कन्फर्म होना जरूरी है, मतलब कि लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, कोई भी कस्टम लॉ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हालांकि वो अलग बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका हर लाइन में सबसे पहले यही कहता है कि अनलेस द कस्टम एंड यूसेज प्रिवेलिंग, वो बात करता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको लॉ को दरकिनार नहीं करना है, लॉ को कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक साल चला फिर ठप हो गया, फिर दो साल चल रहा है, फिर गया गायब, फिर 6 महीने चला, नहीं। प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, लगातार चला आ रहा हो उस समय से जिस समय को कोई याद ही नहीं कर पा रहा है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सती प्रथा याद है, कस्टम ही तो था ना, लेकिन रीजनेबल नहीं था, दैट वॉज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर उसको खत्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हर कस्टम को हम जिंदा रखेंगे, कस्टम वही जिंदा रहेंगे जो रीजनेबल होंगे और उनमें ये सब क्वालिटीज होंगी, ठीक है। जनरल और यूनिवर्सल होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि खाली घर का एक परिवार मना रहा है उसको, नहीं, वो पूरी आपकी सोसाइटी, मतलब उसको सोसाइटी को उस पर्टिकुलर कस्टम से रिकॉग्नाइज किया जाता हो कि हाँ भाई फलाने स्टेट का ये कस्टम है या फलानी कम्युनिटी इसको मानती है, मतलब यूनानिमिटी, यूनानिमस होना चाहिए। अगर हम किसी स्टेट के उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, तो जब हम दूसरे स्टेट में जब कभी उस कम्युनिटी से मिले, तो वही प्रैक्टिस हमको देखी जानी चाहिए, उसे हम कस्टम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं, लॉ को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ क्या होते हैं? म्यूनिसिपल लॉ होता है लॉ ऑफ द नेशन, उस पर्टिकुलर नेशन का जो कानून होता है उसको हम लॉ ऑफ द नेशन कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ये डोमेस्टिक, घर का लॉ है, बेसिकली ये आपका घर का लॉ है, ठीक है, कि हम जहाँ रह रहे हैं वहां का जो लॉ है वो म्यूनिसिपल है। तो ये सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट को गवर्न करता है। इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, मैंने क्या बोला, उल्टा है ना, घर का लॉ है, इंटरनेशनल क्या है, घर के बाहर का लॉ है, तो ये वाला घर का हो गया। म्यूनिसिपल लॉ आपका रिलेशंस को रेगुलेट करता है, कौन से रिलेशंस को, जो इंडिविजुअल्स के बीच में है एंड स्टेट के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिश्ते हैं,
स्टेट अप्रूव करता है लॉ को, ये जनरली रीजनल होता है एज क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी के अंदर अप्लाई होता है। अब म्यूनिसिपल लॉ को दो लॉ में डिवाइड किया गया, एक होता है पब्लिक लॉ और एक होता है प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो पब्लिक लॉ आपका वो लॉ होता है जो लीगल पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस को गवर्न करता है, या स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिलेशन को गवर्न करता है, या फिर गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में रिलेशन को गवर्न करता है, एज वेल एज हो सकता है पर्सन के बीच में भी रिलेशन को गवर्न करे जो सोसाइटी से कनेक्टेड हो। वहीं पे प्राइवेट लॉ आपका रिलेशन बात करता है एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, या आपस में इंडिविजुअल जिसका कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस से लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंट्रीज में बाइंडिंग होता है एंड जिसका एम होता है सिक्योरिटी इंश्योर करना, पीस सिक्योर करना अमंग द वेरियस नेशंस। ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लॉ है जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के बाहर एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ को नेशनल लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है बाय द वेरियस कंट्रीज सच दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड ऑल द इंटरनेशनल लॉ विल बी अ पार्ट ऑफ नेशंस लॉ। ठीक है, यूएस ने डिक्लेयर करा है कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ है वो नेशन के लॉ का पार्ट होंगे। अब इंटरनेशनल लॉ को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो ये वो रूल्स होते हैं जो एशियन टाइम्स में फोर्स, जो एक लंबे अरसे से फोर्स में रहे हैं कंट्रीज के बीच में, जिनको हम लॉ ऑफ द सी, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ द सी हो गया। ठीक, तो ये कस्टमरी है जो चला आ रहा है। ट्रीटी लॉ क्या होते हैं? ये वो रूल्स होते हैं जो ट्रीटीज के थ्रू बनाए जाते हैं दो या दो से ज्यादा देशों में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? ये वो रूल्स होते हैं जो कंडक्ट या रिलेशन जो स्टेट का है, स्टेट के जो भी रिलेशन या कंडक्ट है उसको दूसरों के साथ गवर्न करते हैं। प्राइवेट क्या होता है? ये वो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके हिसाब से केसेस विद फॉरेन एलिमेंट्स डिसाइड करे जाते हैं। नाउ पब्लिक लॉ क्या है? तो पब्लिक लॉ जो होता है ये आपका पार्ट ऑफ द लॉ होता है जो रिलेशन को गवर्न करता है बिटवीन द लीगल पर्सन एंड द गवर्नमेंट। ये अभी हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट लॉ भी हम कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक लॉ को दो में डिवाइड करा गया है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो होता है जो नेचर ऑफ द स्टेट को स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के साथ डिटरमाइन करता है। ये आपका सबसे ऊपर होता है, ठीक है, ये आपका सुप्रीम है। यानी हमने हमेशा कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर सारे लॉज आपके बन रहे हैं, ये एक बेस की तरह काम करता है। तो ये आपके स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। जितने भी आपके ऑर्डिनरी लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से वैल्यू डिराइव करते हैं। बात मैं करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो ये बॉडी ऑफ लॉ है जो परमिशन देती है पब्लिक रेगुलेटरी एजेंसीज के लिए एंड ये सारे लॉज को जुडिशियल डिसीजंस और रूल्स को इंक्लूड करती है। ये लॉ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज से क्रिएट होता है और इसका पर्पस होता है इंप्लीमेंट करना पावर एंड ड्यूटीज को इन द फॉर्म ऑफ रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर एंड डिसीजन। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? तो क्रिमिनल लॉ ये वो बॉडी ऑफ लॉ है जो डिफाइन करती है क्रिमिनल ऑफेंसेस को। ठीक है, अभी सही है, ठीक है, इट्स ओके नाउ। सो प्राइवेट लॉ का क्लासिफिकेशन क्या है कि पर्सन को एक लॉ गवर्न कर रहा है, वो हमने बात कर ली। प्रॉपर्टी के लिए भी लॉज होते हैं, वो भी प्राइवेट में आते हैं। एंड लॉ ऑफ द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किस तरीके से एक पर्सन की लाइबिलिटी डिसाइड होगी वो भी इसी के अंडर कवर होता है। ठीक, नाउ व्हाट इज सिविल लॉ? अभी हमने क्रिमिनल लॉ देखा, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ आपका बिहेवियर के साथ डील करता है। कौन सा बिहेवियर? जो कोई इंजरी कॉज कर रहा है किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट प्रॉपर्टी, सॉरी प्राइवेट पार्टी, जैसे कॉर्पोरेशन हो गया। एग्जाम्पल सिविल लॉ का क्या है? डिफेमेशन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से इंजरी या डेथ हो सकती है या प्रॉपर्टी डैमेज होता है। सिविल लॉ में केसेस आपके इंस्टीट्यूट प्राइवेट पार्टी करती है, केसेस यूजुअली जज डिसाइड करता है। पनिशमेंट में मॉनेटरी अवार्ड होता है, इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं होता है, यानी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस के हिसाब से। हाँ, अभी सही है दिव्यांशी, अभी सही है ना, इज इट ओके नाउ? आई होप इट इज ओके नाउ। ठीक है, चलो। सो सिविल लॉ में क्या हो गया? तो प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, अब दोनों पार्टीज हैं, पार्टीज में कौन कितना एविडेंस अपना दे रही है, किस तरीके से प्रूव कर पा रही है, उसके बेसिस पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी जो होती है वो डिसाइड होती है।
रहती है. एंड डिफेंडेंट्स यहाँ पे सेम लीगल प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं. जैसे क्रिमिनल लॉज में क्या होता है, जो एक्यूज्ड होता है, जिस पर्सन ने क्राइम किया है, उसके प्रोटेक्शन की बात अलग चल रही होती है. यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन की कोई भी बात नहीं होती है. तो देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. क्रिमिनल लॉ पे अभी मैंने डिस्कस किया ही था, एक बार चलो ये डिटेल में है देख लेते हैं. तो क्रिमिनल लॉ आपका बिहेवियर से डील करता है जिसको क्राइम माना जाता है अगेंस्ट द पब्लिक. ये तो आपको पता होगा कि सिविल लॉ जो होता है वो राइट इन पर्सोनम होता है. पर्सोनम एक पर्सनल पर्सन के अगेंस्ट, अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल की राइट को वायलेट किया है तो वो सिविल लॉ में कवर हो रहा है. लेकिन क्रिमिनल लॉ में जब आप किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम करते हो तो वो अगेंस्ट द पर्सन क्राइम नहीं माना जाता है, वो अगेंस्ट द पब्लिक माना जाता है, अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है, अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है. इसीलिए वहां पर हमेशा वर्सेज स्टेट ऑफ डैश ऐसे होता है, या फिर स्टेट ऑफ डैश वर्सेज ऐसे होता है. ठीक है, तो इवन इफ इमीडिएट विक्टिम पर्सन ही है लेकिन फिर भी स्टेट के अगेंस्ट माना जाएगा. जैसे आपने मर्डर कर लिया या असॉल्ट किया या थेफ्ट चोरी करी या ड्रंक ड्राइविंग करी, इन सब केस में स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है. क्यों? क्योंकि माना जाता है कि हमारा स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है पर्सन को, तो स्टेट की गलती है, स्टेट उनका भार अपने ऊपर लेता है. क्रिमिनल लॉ में पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है. इसमें मेन हमारा जो एम होता है वो होता है ऑफेंडर्स को पनिश करना, रिहैबिलिटेट करना और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना. जो पुलिस या प्रोसिक्यूटर होते हैं इन दोनों को गवर्नमेंट हायर करती है. आपने सरकारी वकील सुना है ना, वही सरकारी वकील जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वही सरकारी वकील होता है जो उस एक्यूज्ड की तरफ से केस को लड़ता है. ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वॉइस लैग हो रही है, सभी को हो रही है क्या, एक बार मैं चेक करूं. नहीं मनोज, एक बार रिफ्रेश कर लो आप. नहीं हो रही है, मैंने चेक किया. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, सरकारी वकील है तो ये क्या है, स्टेट अपनी गलती मान रहा है कि हमने ये काम किया है. तो स्टेट यहाँ पे पुलिस को हायर करती है, स्टेट यहाँ पे वकील को हायर करता है जो इनकी तरफ से केस को लड़ता है. ठीक है, वकील जो है केस को लड़ता है. क्रिमिनल लॉ को इफेक्ट में लाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है. पब्लिक फंड यूज करे जाते हैं इनकी सर्विसेज को पे करने के लिए. ठीक ना, सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं, तो दो लॉज के आपने नाम सुने होंगे, एक होता है सब्सटैंटिव, एक होता है प्रोसीजरल. सब्सटैंटिव वो होता है जो हमारी राइट्स या लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है. ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ वो है जो हमारी ओरिजिनल राइट्स को गवर्न करता है, इंडिविजुअल के ऑब्लिगेशंस को. ये कॉमन लॉ से मिलता है, हमें किसी एक्ट से मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी है, तो आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है. ठीक, वो प्रोसीजरल नहीं है. आईपीसी बता रहा है कि हमारी अगर राइट वायलेट होगी तो ये सजा इसमें दे रखी है. ठीक, ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट हमें राइट दे रहा है, टॉर्ट्स हमें राइट दे रहा है, ये सब सब्सटैंटिव लॉ में आते हैं. प्रोसीजरल क्या होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं जो उन सब्सटैंटिव राइट्स का जब वायलेशन होगा, जब लॉ का, तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, इंक्वायरी कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ट्रायल कौन करेगा, ये पूरा प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ. एविडेंस कैसे दिया जाएगा, कौन देगा, कब किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, ये क्या है, एविडेंस, प्रोसीजरल लॉ है. ठीक है, तो सब्सटैंटिव लॉ कॉमन लॉ स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पर्सन का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अब उसको क्लेम जो चाहिए, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है कि तुम क्लेम को कैसे लोगे. ऑन द अदर हैंड अगर किसी पर्सन के साथ नेग्लिजेंस हुआ है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स उसको बता रहा है कि वो नेग्लिजेंस के अगेंस्ट वो कैसे राइट लेगा, कैसे रेमेडी लेगा. ठीक है, तो ये बॉडी ऑफ रूल होती है जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल को डिटरमाइन करती है. ऑन द अदर हैंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, ये वो लीगल प्रिंसिपल्स की बात करता है. फिर से बोलूं, हाँ ठीक है, ओके फाइन. तो प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, ये लीगल रूल्स को एस्टैब्लिश कर रहा है जिसके थ्रू सब्जेक्टिव लॉ को, सब्सटैंटिव लॉ को क्रिएट किया गया, एनफोर्स किया गया, अप्लाई किया गया. कहने का मतलब ये है प्रोसीजरल के बिना सब्सटैंटिव अधूरा है, सब्सटैंटिव के बिना प्रोसीजरल अधूरा है. अगर मैंने कहा कि मैंने राइट क्रिएट कर भी दी है तो राइट क्रिएट हो गई, लेकिन उस राइट को अगर वायलेट हो रही है तो उसकी रेमेडी के लिए मैं कैसे जाऊंगी, इसके लिए प्रोसीजरल जरूरी है. अब मैं कहूं कि हमने प्रोसीजर तो बना दिया लेकिन हमने अगले को राइट ही नहीं दी, तो वही बात हो गई कि डॉक्टर के पास दवा तो है लेकिन मरीज ही नहीं आ रहे हैं, तो दवा तो बेकार हो जाएगी.
दूसरी तरफ मरीज हैं और हमने डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया, तो फिर मरीज क्या कर पाएगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो प्रोसीजरल लॉ डिफरेंट प्रोसेस की बात करता है थ्रू विच केस आपका प्रोसीड करता है। प्रोसीजरल लॉ उन रूल्स की बात कर रहा है जिसके थ्रू आपके सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स किया जा सकता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स। हाँ मतलब मैं सब्सटेंटिव का एग्जाम्पल बता रही हूँ लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बता रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32। अब हमने फंडामेंटल राइट्स तो दे दी, हमने कह दिया तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी है, हमने कहा तुम्हारे पास राइट ऑफ रिजर्वेशन है, हमने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तमाम है, तमाम हमने राइट्स दे दी। लेकिन अब अगर मेरी उस राइट को वायलेट कोई करता है, ठीक हो गया शहर ड्राइविंग, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं मनोज, इट्स ओके। ठीक है, सो अब मैं बात कह रही हूँ कि अब इतनी राइट्स मैंने दे दी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब जब वो फंडामेंटल राइट वायलेट होगी तो उसके लिए अगर मुझे कोर्ट में जाने का रास्ता नहीं दिया गया है, कोर्ट में तक जाने का मुझे रास्ता बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे मैं अपनी राइट्स को कि अगेंस्ट रेमेडी को लू, तो इन दैट केस मेरी तो ये राइट बेकार हो गई। इसलिए आर्टिकल 32 लाया गया, आर्टिकल 226 लाया गया कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप कोर्ट में अपनी राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो, रेमेडी प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन। अब बताओ आगे कंटिन्यू करना है। आज कंटिन्यू करना है आगे कि कल कल करें? भाई सब लोग बताओ, मेजोरिटी के हिसाब से होगा। अच्छा एक और टॉपिक करा देते हैं, ठीक है चलो एक और करा देते हैं। हम लोग करेंगे लीगल पर्सनालिटी। ठीक है, ओके सुमन, ओके मनोज, ओके सुमन, हम लोग एक टॉपिक आज और करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कल कर लेते हैं। फाइन, तो हम लोग करते हैं लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी क्या है? करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखो पर्सनालिटी, अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं, वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारी एक सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। जब हम कहते हैं कि किसी का नाम लेते हैं, आपके फ्रेंड मान लो है, आप दो लोग फ्रेंड्स हो, ठीक, आप अपने तीसरे फ्रेंड के बारे में बात करो, यार कुछ भी कहो, उसकी पर्सनालिटी ना बड़ी चार्मिंग है, वो मान लो है नहीं, अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग होता है ना अक्सर तीसरे के बारे में अलग से बात कर रहे होते हैं, उसके सामने तारीफ नहीं करेंगे, उसके पीछे तारीफ करेंगे, या कुछ भी कहो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जहां जाता है महफिल में जान डाल देता है। तो ये क्या है? ऑरा है, किसी पर्सन का ये ऑरा है जो हमें फील कराता है, जो हमें वाइब देता है। ठीक है, इन द वेरी सेम वे जब हम यहाँ पे भी लीगल पर्सनालिटी की बात करते हैं। अब लीगल पर्सनालिटी क्या है? अगर हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं वो पर्सन हूँ जिसके पास सारी राइट्स और लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, मेरे पास राइट्स है मेरी, मैं हर उस राइट्स को होल्ड करती हूँ, और मेरी राइट्स को कोई वायलेट करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट रेमेडी मांग सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे अगेंस्ट कुछ केस कर रहा है तो मैं उसको, मैं मतलब मेरी राइट वायलेट हुई है तो मैं उसको सू कर सकती हूँ, या मैंने किसी की राइट वायलेट करी है तो वो मुझे सू कर सकता है, मेरे पास ये भी है। तो इस तरीके का जो भी चीजें होती हैं ये लीगल पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं आती है आपकी। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टॉपिक लीगल पर्सनैलिटी में कवर होते हैं, कौन से टॉपिक लीगल पर्सनैलिटी में कवर नहीं होते हैं, मतलब कौन है जो लाइबल है यहाँ पर और कौन है जो लाइबल कभी हो ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन से करें कि जो ओरिजिन आपका वर्ड पर्सन का हुआ है वो एक्चुअली में लैटिन वर्ड परसोना से हुआ है। नाउ परसोना का मतलब क्या होता है? मास्क। जैसे अब हमारी मेरी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी दिखती है, इस बात को समझना, इनर कुछ नहीं है, इनर जो होता है वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जो आपको दिखा रही हूँ, जो आप देख रहे हो, दैट इज माई पर्सनैलिटी, मतलब मेरा एक मुखौटा है।
अब वो मुखौटे के पीछे भी मैं वैसी ही हूं जैसी हूं अभी, या मैं अलग हूं, ये बात मैं जानती हूं। तो एक फॉल्स फेस होता है जो पर्सोना का मतलब है। तो लेटर एक जो वर्ड आपका पर्सन है इसको डेवलप करा गया ओल्ड फ्रेंच में, जिसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक मास्क जो एक पर्सन ओढ़े हुए है, एक मास्क पर्सन डाले हुए है। मेन एम जो है लॉ का, आपको पता है लॉ का मेन एम होता है ऑर्डर को रेगुलेट करना सोसाइटी में। अब सोसाइटी में लोग होते हैं, लोग उसका सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। अब ये लोग पर्सन माने जाते हैं, ठीक। ये लोग जो होते हैं, ये जो लीव इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको हम पर्सन बोलते हैं। जब हम पर्सन बोलेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी लीगल पर्सनैलिटी जुड़ जाएगी, ठीक है। अब लीगल पर्सनैलिटी जब इनकी जुड़ गई, ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं लिंक करवा रही हूं। जब ये पर्सन है तो पर्सन के साथ लीगल पर्सनैलिटी जुड़ गई, जब लीगल पर्सनैलिटी जुड़ गई तो इसको राइट्स एंड ड्यूटीज भी दे दी गई। मैंने अभी बताया ना कि मैं पर्सन हूं, मेरी लीगल पर्सनैलिटी है, मेरी राइट्स एंड ड्यूटीज है। जब मेरी राइट्स हैं तो वो वायलेट भी होंगी, जब वो वायलेट होंगी तो मैं किसी को सू भी कर सकती हूँ या कोई मुझे भी कर सकता है। जब मेरी ड्यूटी है, मैंने नहीं फॉलो करी है लेकिन मुझे करना चाहिए था, तो ये सारी चीजें लीगल पर्सनैलिटी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर सामंड आ गए, ठीक है। तो सामंड को तो याद रखना ही रखना है, ये तो हर जगह है, ठीक है। सामंड के हिसाब से अब पर्सन कौन होता है, इनके हिसाब से पर्सन एक कोई भी इंडिविजुअल होता है जिसको लॉ राइट्स देता है और उसको लीगल ड्यूटी से बांधता है। तो कोई भी पर्सन जो दैट इज सो केपेबल इज अ पर्सन, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ना हो, एंड नथिंग दैट इज नॉट केपेबल इज अ पर्सन इवन दो ही बी अ मैन। कहने का मतलब सिर्फ ये है जो आपको ध्यान रखना है कि सामन के हिसाब से एक पर्सन वो है जो केपेबल होता है राइट्स के लिए और जिसको हम लोग लीगल ड्यूटी से बांधते हैं। ग्रे ने क्या कहा, ग्रे ने कहा पर्सन एक एंटिटी है जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज एट्रीब्यूट करी जाती हैं, जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज दी जाती हैं, ठीक। नाउ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज देयरफॉर नॉट कंस्ट्रेंड टू ह्यूमन बीइंग अलोन। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग होता है, नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। मेक श्योर कि आप इस बात को याद रखो। मैंने आपसे कहा है मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हुई चल रही हूँ, उन चीजों पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो ये लीगल पर्सनैलिटी का टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्टिक पर्सन जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो, वो कुछ भी अदर सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है जिसको हम लोग राइट्स, लाइबिलिटीज या ड्यूटीज देते हैं। लॉ जो है उनको कन्फर करता है कैपेसिटी, एंड इसीलिए हम लोग उनको लीगल पर्सन कहते हैं। अब कितने तरह के पर्सन होते हैं, तो दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है लीगल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। तो लीगल पर्सन वो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, मैं और आप जिंदा हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम नेचुरल पर्सन में आते हैं। हाउएवर एक्सेप्शंस इसमें ल्यूनेटिक और माइनर है, ठीक है। जो बच्चा 18 साल से कम का है वो नेचुरल पर्सन में काउंट नहीं होता है, एंड दूसरी तरफ मतलब नेचुरल पर्सन में काउंट होगा बट वो ये लीगल पर्सन में नहीं आएगा, समझना। लॉ के पर्सपेक्टिव से वो लीगल पर्सन में काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो पर्सन किसी को सू नहीं कर सकता, कोई उसको सू नहीं कर सकता, इसलिए लीगल पर्सन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ल्यूनेटिक जो अनसाउंड माइंड का है वो आपका नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन बाकी लिविंग ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन में आते हैं। दूसरी तरफ दूसरे तरीका है हमारे पास लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये कुछ भी हो सकता है जिसको लॉ कंसिडर करता है फिट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन जो है ये वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज दी जा सकती हैं। नेचर इनका इमेजिनरी होता है लेकिन स्टेटस तो होता है, ये होल्ड करते हैं। क्या एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल। मनोज, हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं स्पेशल क्लास में, अभी मैं लास्ट में एक बार बता दूंगी, देखते रहो वीडियो, तो वहां पे आप आ सकते हो, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो नेचर जो होता है वो इमेजिनरी होता है, जैसा कि एग्जांपल इसका मैं दे रही हूँ, जैसे कॉरपोरेशन है, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, ये सब क्या है, ये सब लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है। अब लीगल पर्सनैलिटी का नेचर क्या होता है, लीगल पर्सन होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है,
पहला तो कॉर्पस होना चाहिए और दूसरा एनिमस होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं? कॉर्पस मतलब ये बॉडी होती है जिसमें लॉ पर्सनालिटी डालता है, ठीक है, एक बॉडी जिसमें लॉ पर्सनालिटी डालता है, यानी पर्सनालिटी के रूप में वो राइट्स देता है, वो लाइबिलिटीज देता है, वो ऑब्लिगेशंस देता है, ठीक, वो कॉर्पस कहलाता है। एनिमस क्या हुआ? एनिमस पर्सनालिटी या विल, उस पर्सन की इच्छा क्या है, मतलब जब मुझे राइट्स एंड ड्यूटीज मिल रही है, मैं एक बॉडी हूं, मुझे क्या मिला हुआ है, तो मुझे क्या मिला है वो है कॉर्पस, और मेरी इच्छा क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, लोगों को दिख क्या रहा है वो है एनिमस। मेरे अंदर क्या है वो कॉर्पस, मेरे बाहर क्या है वो है एनिमस, ठीक है। लीगल पर्सनैलिटी लॉ की क्रिएशन है, ये जो रिकॉग्नाइज एंटिटीज होती हैं ये इसी वजह से लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर पाती है। जब एक नेचुरल पर्सन लीगल पर्सनालिटी को नेचुरली एक्वायर करता है, जब हम पैदा होते हैं तो लीगल पर्सनालिटी हम ऑटोमेटिक लेके आते हैं, लेकिन लीगल पर्सन आर्टिफिशियल क्रिएशन होते हैं, इनको लीगल राइट्स दी जाती हैं। कोई कंपनी जब क्रिएट होती है तो फिर उसको लीगल राइट्स दी जाएंगी, उसको ड्यूटीज दी जाएंगी, लेकिन हम और आप जब पैदा हुए थे तो ऑटोमेटिक हमें राइट्स मिल गई थी। तो लॉ एट्रीब्यूट करता है ऐसे क्रिएशन को एक ह्यूमन पर्सोना, जिसकी वजह से ये अकाउंटेबल और ड्यूटीफुल होते हैं। इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट किया जाता है, जैसे लीगल पर्सन का एक रियल एग्जिस्टेंस होता है। समझना इस बात को, कंपनी एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली दिव्यांशी, कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या कंपनी को छू सकते हैं हम? क्या हम कंपनी को कहें कंपनी कौन है, कंपनी कौन पर्सन है? तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। कंपनी के चेहरे होते हैं, कंपनी कोई पर्सन नहीं होता, कंपनी के चेहरे होते हैं, डायरेक्टर होता है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो उसकी पर्सनालिटी फिक्शियस होती है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस रियल होता है। ये चीज आपकी फैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लीगल पर्सन मानते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, जब नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब यहां से हम लोग अलग अलग लोगों का स्टेटस पढ़ेंगे, लीगल स्टेटस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनबॉर्न पर्सन का। आपने टीपीए पढ़ा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 13 पढ़ा होगा। सेक्शन 13 में हम लोग अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो अनबॉर्न पर्सन है क्या ये लीगल स्टेटस इसको दिया जाता है? तो टीपीए में अगर हम बात करें तो टीपीए में तो अनबॉर्न पर्सन वो होता है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है, जो अपनी मदर की वूम में भी नहीं आया है ना, जो मदर के वूम में भी नहीं आया वो अनबॉर्न है। जब वो वूम में आ गया तो वो एग्जिस्टेंस में मान लिया जाता है। तो अनबॉर्न पर्सन का लीगल स्टेटस क्या है? जनरल नोशन में देखें तो पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है जो हु इज और वाज इन एग्जिस्टेंस आउट इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, इनके पास राइट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, लेकिन हाउएवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लॉ है उसने रिकॉग्नाइज करा है राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज नॉन ह्यूमन एंटिटीज की भी, क्योंकि ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब लॉ यहाँ पे लीगल स्टेटस देता है अनबॉर्न बच्चे को। मैंने जैसा कि अभी कहा कि अगर लीगल फिक्शन के हिसाब से हम देखें तो जो बच्चा माँ की गर्भ में होता है, माँ के गर्भ का जो बच्चा होता है उसको माना जाता है वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, और उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है एज अ पर्सन फॉर अ नंबर ऑफ पर्पस। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो मदर के वूम में है। जब वो वूम में आ जाता है तो माना जाता है वो ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है, पैदा हो चुका है, तो उसको हम लोग पर्सन मानने लगते हैं। लेकिन जब तक वो वूम में नहीं होता है तब तक हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें एक प्रायर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो प्रीनेटल एग्जिस्टेंस जो चाइल्ड का होता है एज अ लीगल पर्सन, इसको भी सिविल एक्शन के लिए रिकॉग्नाइज करा जाता है। प्रीनेटल स्टेज समझ रहे हो ना, सबसे कम, सबसे शुरुआती स्टेज जो होती है, तो उस केस में भी माना जाता है कि बच्चा जो है वो लीगल पर्सन है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिविल एक्शन। दिस मीन्स जो बच्चा है वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस अपनी इंजरीज के लिए। जब वो फीटस था, जब वो बच्चा माँ के गर्भ में फीटस के रूप में था, उस वक्त अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है तो वो बच्चा डैमेजेस क्लेम कर सकता है पैदा होने के बाद। पैदा होते ही उसकी राइट टू क्लेम जो होता है वो एक्शन में आ जाता है, ठीक है। जो राइट्स बच्चे को दी जाती है अनबॉर्न बच्चे को, ये कंटिंजेंट होती है।
मैंने क्या कहा, वो पेट में जब है, माँ के जब गर्भ में है, उस वक्त वो राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक कंडीशन यहाँ पे है, कंटिंजेंसी है कि क्या वो बच्चा जिंदा पैदा होगा। आपको पता है कि कई बच्चे होते हैं जो जिंदा पैदा नहीं होते हैं, या कुछ बच्चे पैदा होते ही उनकी थोड़े कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है, तो ये कंटिंजेंसी है। हालांकि बोला जा रहा है कि उस बच्चे के पास राइट है कि उसको जो भी नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो उसको कल को क्लेम कर सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद। तो एक कंटिंजेंसी होती है जिसपे उसके राइट्स टिके हुए होते हैं कि क्या वो बच्चा जिंदा पैदा होगा। जब वो जिंदा पैदा हो जाएगा, अगर वो अलाइव पैदा हुआ, तो उसकी जो राइट्स होंगी वो वेस्टेड हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोटेक्शन देता है टू द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में दी जाती है उसको टीपीए प्रोटेक्शन देता है। टीपीए का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना लंबे समय तक फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ एलिनेशन बाय देयर ओनर्स बीइंग अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, टीपीए पे भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, फिर मैं स्पेशल क्लास का लिंक बताऊंगी। स्पेशल क्लास के मतलब आप कहाँ जाके देख सकते हो उसके बारे में मैं एक बार बताऊंगी, तो आप लोग डेफिनेटली वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक, सो सीआरपीसी 1973 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 416 कहता है कि इन केस कोई भी विमेन, अगर उसको सेंटेंस टू डेथ, अगर उसको मृत्यु दंड दिया गया है और पाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, और जैसा भी ठीक लगे एग्जीक्यूशन को लाइफर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि बच्चे का फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। नाउ सेकेंड आता है आपका डेड पर्सन का लीगल स्टेटस। तो मरे हुए आदमी का लीगल स्टेटस क्या होता है? जनरल थ्योरी ये है कि जो पर्सनालिटी होती है पर्सन की, वो उसके पैदा होने के साथ शुरू होती है। जैसा मैंने आपको कहा कि हम और आप हैं, तो हम जब पैदा हुए तो हमारे साथ हमारी पर्सनालिटी आई, ठीक है ना। नाउ एंड हमारी डेथ के साथ ये हमारी पर्सनालिटी चली जाएगी। तो देखा जाए टेक्निकली तो डेड पर्सन पर्सन नहीं होते हैं। कानून की नजरों में जो मरा हुआ आदमी है वो पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो मरा तो उसकी लीगल पर्सनालिटी उसके साथ चली गई और अब उसकी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है। लेकिन फिर सामंड आते हैं। सामंड ने तीन चीजें पॉइंट आउट करी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि लिविंग पर्सन है, लेकिन जिंदा पर्सन जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी तीन चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? उसकी बॉडी, तीन चीजों का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी डेड बॉडी का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक उसकी रेपुटेशन हो गई, और एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इन तीन चीजों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है भले वो डेड क्यों ना हो। तो डेड मैन का जो कॉप्स होता है वो किसी का भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो उसका जो मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कानून कहता है कि हर एक मरे हुए पर्सन का प्रॉपर बरियल होना चाहिए, क्रिमेशन होना चाहिए। जो क्रिया होती है मरने की, मरने के बाद की जो क्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, वो सब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लॉ ऐसा कहता है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 130 ऑफ द 4th जेनेवा कन्वेंशन, जिसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में है, इसको बरियल क्रिमेशन टाइटल दिया गया है 130 में। एंड ये कहता है कि जो डेड बॉडीज हैं वो ऑनरेबली बरीड होनी चाहिए, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर एंड डिग्निटी के साथ उनको बरी करें। अगर पॉसिबल है तो उनके रिलीजन के हिसाब से करें, उनके ग्रेव्स को हमेशा रिस्पेक्ट दें, प्रॉपरली मेंटेन रखें एंड मार्क करें इन अ वे कि उनको हमेशा रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, कि जब भी कोई पर्सन वहां आए, किसी का मन करे विजिट करने का, तो वो रिकॉग्नाइज कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन अ केस ऑफ आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि इवन होमलेस पर्सन, जो मान लो बेकार आदमी था, जो एकदम घर बेघर पर्सन था, जो फुटपाथ पे सोता था, कोर्ट ने कहा इवन उस पर्सन के पास भी राइट है कि उसका अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। इवन होमलेस पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिसेंट बरियल एज पर हिज रिलीजियस फेथ। मेंटेनेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन डिग्निटी मस्ट बी एक्सटेंडेड इवन एट द इवेंट ऑफ डेथ। कोर्ट का कहना था कि इवन जब किसी की डेथ हो रही है तब तक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करना ड्यूटी आपकी होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं आईपीसी की बात करूं
तो आईपीसी प्रोटेक्शन देता है कॉप्स की डिग्निटी और राइट्स को, कहता है कि कॉप्स के राइट्स होते हैं, कॉप्स की डिग्निटी होती है। सेक्शन 297 क्रिमिनलाइज करता है ट्रेसपासिंग को ऑन द बरियल प्लेस। अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को हर्ट करने से, हर्ट करने के इंटेंशन से या उसके रिलीजन को हर्ट करने के इंटेंशन से अगर उसकी अगर उसकी बरियल प्लेस पर जाता है, ट्रेसपास करता है, तो सेक्शन 297 के तहत उसको सजा मिलेगी। वहीं पे थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच। हेलो, ठीक है। सो सेक्शन 404 कहां से आया? सेक्शन 404, अगेन मैं आईपीसी की बात करूं, सेक्शन 404 इंडियन पीनल कोड की बात करूं, तो वो क्या कहता है? वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, आपने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, उसी की रेंज में ये रिलेटेड सेक्शन है। तो ये पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन पर्सन को जो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी को पसेस बाय डिसीज पर्सन। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी की डेथ हो गई, ठीक है। अब आपने, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स अगर कभी देखे हो तो वहां पे देखो तो क्या चीजें, ये सब बहुत चलती है ना, कि हाँ कोई पर्सन अगर किसी की डेथ हो गई, या मूवीज में भी देखा होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी का लालच लोगों के अंदर कितना है। हाँ, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन अब उसने, कोई लेडी थी, द लेडी वॉज वेयरिंग अ ज्वेलरी, हाँ, अब उसकी जब डेथ हुई तो उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन के रखी थी। अब अगला पर्सन जो घर का उसका मेंबर है, जब वो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसको ये लगता है कि यार इससे पहले पुलिस वगैरह आए या कोई और आए, मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से इनकी सारी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, क्योंकि किसी को क्या ही पता लगेगा कि इनकी जब डेथ हुई तो इन्होंने पहन रखी थी ज्वेलरी कि नहीं पहन रखी थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने सेक्शन 404 के तहत ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि जब आप कोई डिसीज पर्सन है तो अगर उसने कोई प्रॉपर्टी पहन रखी है, प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, तो इन दैट केस आप डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल बी लायबल टू पनिश, ठीक है। इंडिया में क्रिमिनल लॉ अंडर 499 आपको पता है किससे रिलेटेड है, डिफेमेशन, है ना, डिफेमेशन की बात करता है। तो 499 कहता है कि कोई भी इम्प्यूटेशन जो रेपुटेशन ऑफ द डिसीज पर्सन की को डैमेज करे। अब सीधी सी बात है, कई लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद लोग अब्यूज करते हैं, अरे वो तो ऐसा था, वो तो उसकी तो हरकतें ही ऐसी थी, वो तो हमेशा, मतलब गलत सलत बोलना उनके बारे में, गलत बोलना, अब्यूज करना, गलत वर्ड्स यूज करना, जबकि वो पर्सन वैसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इन दैट केस वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। जब आप 499 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी किसी डिसीज पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है, कोई भी ऐसा इम्प्यूटेशन होता है कि अगर जब वो जिंदा होता तो वो उसके लिए डिफेमेशन का काम करता, तो आज की डेट में भी वो डिफेमेशन का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को इंजर कर रहा है, वो उसकी फैमिली की फीलिंग्स को इंजर कर रहा है, वो उसके रिलेटिव्स की फीलिंग को इंजर कर रहा है, तो इसलिए ये ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये हो गया आपका डिसीज पर्सन का स्टेटस। अच्छा, एक और चीज है, एक पर्सन विल बनाता है, आपको पता है विल क्या होता है ना, विल क्या होता है, वसीयत, ठीक है। जब पर्सन वसीयत बनाता है तो वो उसके मरने के बाद ही इन्फोर्स होती है, जिंदा रहते कभी भी विल इन्फोर्स नहीं होती है, बात याद रखना, विल हमेशा मरने के बाद इन्फोर्स होती है, प्रोवाइडेड कि विल जो है लिविंग लीगिटी के फेवर में बनी हो, मतलब जिसके फेवर में बनाई थी वो पर्सन जिंदा रहना चाहिए। अब डिस्पोजिशंस जो विल में होते हैं वो विल के हिसाब से होते हैं, जैसा जैसा विल में लिखा है वैसा वैसा सबको सबका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो विच इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ चैरिटेबल पर्पस। अब गिफ्ट यहाँ पर अगर कोई डिसीज पर्सन दे रहा है फॉर द चैरिटेबल पर्पस, तो वो मेंटेनेबल होगा अंडर द लॉ बट नॉट अदरवाइज। अब ये मत सोचो कि चैरिटी में वो पर्सन दे के चला गया तो चैरिटी वाला तो हम अपना रख लेंगे, हम चैरिटी में नहीं देंगे, नहीं। अगेन वही बात है कि डिसीज पर्सन के द्वारा बनाई गई जो विल है वो उसी के हिसाब से एनफोर्स करी जाएगी, वो जैसा कि डिस्पोजिशन लिखा हुआ है विल में कि किस हिसाब से हम लोग देंगे, उसी हिसाब से उस पर्सन को उतना ही दिया जाएगा, न ज्यादा न कम, ठीक। चलो, लोअर एनिमल्स। अब लोअर एनिमल्स का लीगल स्टेटस क्या होता है? अच्छा, लोअर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स कौन होते हैं? हायर एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है।
तो कॉमन सेंस में एनिमल्स को कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, कि उनके पास भी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। अगर हम लीगल हिस्ट्री में जाके देखें तो सेवरल लॉज हुए हैं जिनमें पनिशमेंट है एनिमल्स के लिए अगर वो किसी पर्सन की डेथ करते थे, अगर किसी आदमी की, जिंदा आदमी की डेथ कॉज करते थे एनिमल्स, तो उनके लिए भी पनिशमेंट हुआ करती थी। लेकिन मॉडर्न सेंस में आज की डेट में एनिमल्स को पनिश नहीं किया जाता है, ठीक। तो एनिमल जो है वो भी केपेबल, वो इनकेपेबल है, ठीक, आज की डेट में वो इनकेपेबल है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए। इट इज कंसिडर्ड टू बी द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ओनर। ध्यान रखना, एनिमल्स की राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होती है, जो उनका मालिक होता है, जो उनका ओनर होता है, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। जिसका मतलब है कि अगर वो पर्सन डैमेज कॉज एनिमल सॉरी अगर वो एनिमल डैमेज कॉज करेगा तो कौन लाइबल होगा? उसका ओनर लाइबल होगा, ठीक है। लीगल ड्यूटी किसके ऊपर फॉल अपॉन करती है? लीगल ड्यूटी एनिमल के ओनर्स पर आएगी, स्पेशली फेरोशियस, जो खूंखार होते हैं, जिनको कंट्रोल करने की, जिनको ट्रेन करने की जरूरत होती है। तो इस केस में नेग्लिजेंस का जो है, नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो सकता है ओनर अगर उसके एनिमल ने कोई भी हानि पहुंचाई है किसी और को। कुछ इंस्टांसेस हैं जहां पे एनिमल्स के पास लीगल राइट है, कौन कौन से? जैसे क्रुएलिटी, आप एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी नहीं कर सकते हो, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इंडिया में सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 पनिशमेंट देता है अगर आप एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी करते हो, अगर उनको मारते हो, अगर उनको किक करते हो, या उनको टॉर्चर कर रहे हो, या म्यूटिलेट कर रहे हो, तो इन दैट केस क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा। पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल्स के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट भी क्रिएट किया जाता है ना, तो ये वैलिड होता है और इन्फोर्सिएबल होता है एज अ पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। चलो पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ, तब मैं आगे बोलूं, तब तक मैं थोड़ा गले को रेस्ट दे दूं। चलो बताओ यहां तक क्लियर है, मजा आ रहा है? ओके चलो, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आपका लीगल स्टेटस वाला जो ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडल्स का लीगल स्टेटस क्या होता है? मूर्तियां, आइडल्स कौन है? मूर्तियां, भगवान की मूर्ति, ठीक है। तो अगर आप हिंदू हो तो आप मूर्तियों के बारे में समझ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। देर वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ प्रमथनाथ मलिक वर्सेस प्रद्युम कुमार मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, याद कर लो, बिल्कुल भी भूलना मत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जो आइडल है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है एंड इट्स विल एज टू इट्स लोकेशन मस्ट बी ड्यूली रिस्पेक्टेड। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो मूर्ति होती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, या फिर लीगल पर्सन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये ज्यूरिस्टिक होती है या लीगल होती है, ज्यूरिस्टिक होती है और मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन होता है। सिमिलर व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस सीआईटी। क्या कहा गया? कि आइडल एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है एंड उस पे टैक्सेस टैक्स लगता है थ्रू इट शेबेट्स हुम इज इंटरेस्टेड विद द पोजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। शेबेट्स कौन होते हैं? शिबैट्स मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो देखभाल करते हैं, जिनको हम लोग अगर पुजारी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, पुजारी वगैरह भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग उसको मैनेजर के लिए बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से, कहीं पे अर्चका के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पे यहाँ आपके शिबैट्स हो गए, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर योगेंद्र नाथ नास्कर के केस में भी कहा गया कि आइडल जो होता है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है एंड इसके ऊपर टैक्स भी लगाया जा सकता है शिबैट्स के थ्रू। शिबैट्स कौन है? जो मैनेजमेंट देख रहे हैं प्रॉपर्टी का। अब हम आते हैं मॉस्क के ऊपर। क्या मस्जिद, मस्जिद का लीगल स्टेटस क्या होता है? क्या मस्जिद आपका लीगल पर्सन है कि नहीं है? कोर्ट्स का बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है इस मैटर पे। मौला बख्श वर्सेस हफीजुद्दीन के केस में हाई कोर्ट ऑफ लाहौर ने कहा कि मॉस्क जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है जिसको सू किया जा सकता है। समझ रहे हो? मॉस्क एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है
जिस पे केस फाइल किया जा सकता है जब भी चाहो, अगर लगता है कि इन्होंने किसी की राइट को वायलेट किया है। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने कॉन्ट्रैरी व्यू बोला। प्रीवी काउंसिल का कॉन्ट्रैरी व्यू आता है मस्जिद शाहीगंज केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉस्क आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है आईज ऑफ लॉ में, एंड इसीलिए कोई भी सूट इनके अगेंस्ट ब्रॉट नहीं किया जा सकता। मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता, ना इनके द्वारा लाया जा सकता है ना इनके अगेंस्ट लाया जा सकता है। ठीक। नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? तो लीगल सिस्टम आपका, चाहे इंग्लैंड की बात करूं चाहे इंडिया की बात करूं, लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन दोनों जगह डिस्कस हुआ है कि अगर एक कॉर्पोरेशन है तो उसकी लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। कॉर्पोरेशन आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिससे आप समझोगे कि आखिर लीगल पर्सनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो एक कॉर्पोरेशन के लिए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, ऑर्गन्स होने चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू कॉर्पोरेशन काम करता है। और तीसरा, जो कॉर्पोरेशन है उसमें एक एनिमस होना चाहिए, एक विल होनी चाहिए, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए बाय अ लीगल फिक्शन जो दूसरों की नजर में आनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि एक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट करी गई है कॉर्पोरेशन को। ठीक है, कॉर्पोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? भाई कॉर्पोरेशन की एक अलग लीगल पर्सनालिटी होती है, मेंबर्स की अलग होती है। मेंबर्स ह्यूमन बीइंग है, समझना इस बात को, मेंबर्स ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनकी लीगल पर्सनालिटी अलग है, लेकिन जब वो एक कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं तो एक कॉर्पोरेशन की एज अ होल एक लीगल पर्सनालिटी है। जब कॉर्पोरेशन कुछ गलत करेगी तो कॉर्पोरेशन के नाम पर ही तो सूट फाइल होगा ना, या कॉर्पोरेशन के साथ कुछ गलत होगा तो कॉर्पोरेशन उसके नाम पर सूट फाइल करेगी। तो ये पर्सन के नाम पर नहीं होगा, कॉर्पोरेशन के नाम पर होगा। तो कॉर्पोरेशन क्योंकि लीगल पर्सनालिटी है इसीलिए वो सू कर भी सकती है और सू हो भी सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कोई भी मेंबर बाउंड नहीं होता है कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा। जो नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स वो होल्ड करता है उससे ज्यादा उसको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो होती है, यानी रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड को हम रजिस्टर्ड बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसका मतलब है कि जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करेगी इवन आफ्टर इट्स मेंबर्स चेंज और डाई। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी यानी एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल का मतलब अनंत काल तक, जिसका मतलब कंपनी एग्जिस्ट करेगी। अगर कंपनी के मेंबर्स आते हैं जाते हैं, जिंदा हैं मर गए हैं, इससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। इन शॉर्ट, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल रिमेन फॉरएवर। शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं इन द मैनर जैसा कि आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में प्रोवाइडेड है, उस तरीके से। ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन होने के नाते कंपनी सू कर सकती है अपने नाम पे एंड सू हो भी सकती है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होने के नाते प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी की थ्योरीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज, आपकी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में जरूर पूछी जाती हैं। मेक श्योर कि थ्योरी का नाम याद रखना, इन थ्योरी में कितने सपोर्टर्स हैं ये याद रखना, और इस थ्योरी में कहा क्या गया है ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्शन थ्योरी की। फिक्शन थ्योरी, जैसा कि नाम है भाई, सब कुछ इमेजिनरी है। ठीक है, तो सेवनी, कैल्सन, सामंड एंड होलैंड इस थ्योरी के सपोर्टर थे। नाम याद कर लेना, फिर से बोल रही हूँ, नाम याद कर लेना, सेवनी, कैल्सन, सामंड, होलैंड, ये फिक्शन थ्योरी के सपोर्टर थे। इनके हिसाब से जो कॉर्पोरेशन है वो एक मेयरली फिक्शन है। ठीक है, वो इमेजिनरी है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिसके थ्रू लीगल फिक्शन को, बाय विच लीगल फिक्शन आर रिगार्डेड एज अ रियल पर्सन। लीगल फिक्शन को रियल पर्सन हम लोग मानते हैं। प्रोफेसर ग्रे के हिसाब से फिक्शन के थ्रू एक अब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जिसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं वो क्रिएट करी जाती है, एंड बाय अ सेकंड फिक्शन विल्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर एट्रीब्यूटेड टू इट। समझना, एनिमस एंड कॉर्पस। ग्रे का कहना था कि फिक्शन के थ्रू हमें एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी देते हैं, यानी हम कॉर्पस देते हैं, एंड सेकेंड फिक्शन के थ्रू हम विल देते हैं। विल देते हैं मतलब कि हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी देते हैं। कंपनी इन लॉ, कंपनी जो होती है वो डिफरेंट होती है शेयर होल्डर्स और मेंबर्स से,
कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है लेकिन मेंबर्स उसके फिर भी रिच रह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा मेंबर्स कैसे हैं उससे फर्क कंपनी पे नहीं पड़ता है। कंसेशन थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी के हिसाब से जो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी होती है वो एक कंसेशन होता है जो स्टेट देता है। कहने का मतलब क्या है, ये स्टेट का मनमानापन होता है, डिस्क्रीशन होता है कि हम एक कॉरपोरेशन को पर्सनैलिटी देना चाहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी या फिर नहीं देना चाहते हैं। ये फिक्शन थ्योरी से अलग होती है इस ग्राउंड पे, क्यों? क्योंकि फिक्शन थ्योरी में क्या था कि स्टेट का कोई रोल नहीं था। पहली बार फिक्शन थ्योरी में हम लोग इमेजिनरी रख रहे थे, लेकिन हम कॉर्पस भी प्रोवाइड कर रहे थे, हम एनिमस भी प्रोवाइड कर रहे थे। कंसेशन थ्योरी में हमने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कॉर्पोरेशन को एक पर्सनैलिटी देनी है या नहीं देनी है, ये आप डिसाइड करो। इस ओवर एम्फसाइज को क्रिटिसाइज कई जूरिस्ट ने किया है, क्योंकि ये स्टेट डिक्टेटरशिप के लिए दरवाजे खोल देता है। ग्रुप पर्सनैलिटी थ्योरी क्या है? ये थ्योरी सपोज करती है कि हर एक जो कलेक्टिव ग्रुप होता है उसका एक रियल माइंड होता है, मतलब उसकी खुद की एक सोच होती है, एक रियल विल होती है, इच्छा होती है, एंड रियल पावर ऑफ एक्शन होता है जिसके बेसिस पर वो लोग एक्ट करते हैं। ये थ्योरी जोहान्स अल्थूसियस एंड इनको कैरी फॉरवर्ड इस थ्योरी को किया था ऑटो वैन जर्ग ने। जर्ग का नाम जुड़ा हुआ है इस थ्योरी से। जर्ग ने कहा कि जो कॉरपोरेशन का एग्जिस्टेंस होता है वो हम मानते हैं बिल्कुल रियल होता है, वो इमेजिनरी नहीं होता है, एग्जिस्टेंस रियल होता है एंड वो किसी भी फिक्शन पर बेस नहीं होता है, लेकिन ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल है ना कि फिजिकल। आपको पता है हमें कॉरपोरेशन या कंपनी दिख नहीं रही है, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट की चेहरा। तो हमें चेहरे बहुत सारे दिखते हैं, कोई एक पर्सन हमें नहीं दिखता है, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, एक्चुअलिटी नहीं है। लॉ हैज नो पावर टू क्रिएट एन एंटिटी, बट सोलेली उसके पास राइट है एंटिटी को आइडेंटिफाई करने की या ना आइडेंटिफाई करने की, ठीक? कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रैकेट थ्योरी? तो ब्रैकेट थ्योरी का नाम जुड़ा हुआ है इहरिंग से, ठीक है? या कह लो इहरिंग का नाम जुड़ा हुआ है ब्रैकेट थ्योरी से, ठीक? तो इहरिंग जो एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे, ये की प्रोपाउंडर थे इस थ्योरी के, उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी इज ओनली अ सिंबल टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन। ये एक सिंबल है जो कॉरपोरेशन की वर्किंग को फैसिलिटेट करता है। सिर्फ और सिर्फ इस कॉरपोरेशन के मेंबर्स जो होते हैं वो पर्संस होते हैं ट्रू सेंस में, एंड उनके अराउंड एक ब्रैकेट होता है जो इंडिकेट करता है कि एक वन यूनिट के रूप में काम करेगा व्हेन दे हैव फॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू अ कॉरपोरेशन। एक ब्रैकेट समझना, क्या कह रहे हैं इहरिंग की ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी जो है एक सिंबल है जो कॉरपोरेशन की वर्किंग में मदद कर रहा है। मेंबर्स, इन्होंने कहा कंपनी तो है लेकिन उसका चेहरा कौन है? पर्संस हैं, मेंबर्स हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो पर्संस होते हैं, उनके आसपास एक ब्रैकेट होता है जो एक यूनिट उनको बनाता है एंड जिसकी वजह से वो काम कर पाते हैं और वो एक कॉरपोरेशन कहलाते हैं। इस थ्योरी का मेन क्रिटिसिज्म क्या था कि यहाँ पर कहीं भी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल की बात नहीं करी गई है और ये नहीं कहा गया है कि इंडिविजुअल मेंबर्स अकाउंटेबल होंगे। आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो कंपनी लॉ में आपने लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि लाइबिलिटी होती है जब हम कॉर्पोरेट कंपनी से जब कॉर्पोरेट वेल उठाते हैं तो जो मेंबर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी बनती है, वो सब अकाउंटेबल होते हैं। ब्रैकेट थ्योरी में मेंबर्स की बात करी गई, मेंबर्स को रिकॉग्नाइज तो किया गया लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात नहीं करी गई और इसी बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया था। पर्पस थ्योरी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, जब हमने किसी चीज को बनाया ही किसी पर्पस के लिए है। जब कॉरपोरेशंस को यहाँ पे पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जर्मनी में फाउंडेशंस को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है। फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट लाइक सेटअप फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये फाउंडेशन ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी की तरह माने जाते हैं जो लीगल ट्रांजेक्शंस फैसिलिटेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं किसी कॉरपोरेशन को किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, वहां पर ये पर्पस थ्योरी काम करती है। केल्सन की थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी क्या है? केल्सन की थ्योरी कहती है कि पर्सनैलिटी एक टेक्निकल पर्सोनिफिकेशन है जिसमें कई सारे गुण होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, फोकल पॉइंट ऑफ इम्प्यूटेशन जो राइट्स एंड ड्यूटीज को यूनिटी देता है। केल्सन कहते हैं कि लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन में कोई भी अंतर नहीं है। वो कह रहे हैं जहां पर एक इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के पास राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसके अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, उन द वेरी सेम वे कॉरपोरेशन है जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज देते हैं उनमें भी एक नॉर्म्स होते हैं। तो उनके हिसाब से केल्सन के हिसाब से दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
लास्ट लीगल पर्सनालिटी स्टेट की क्या होती है? स्टेट एक ग्रेटेस्ट फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट आपका ज्यूरिस्टिक पर्सन है। यस, आर्टिकल 300 की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि स्टेट इज अ पर्सन जो सू कर सकता है या उसको सू किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सू हो सकता है या सू कर सकता है इन द नेम ऑफ द स्टेट। मॉडर्न राइटर्स ने स्टेट को सोवरेनिटी दी है, स्टेट सॉवरेन है, लॉज स्टेट लॉज है, रेवेन्यूज स्टेट रेवेन्यूज है, एंड लाइबिलिटीज स्टेट लाइबिलिटीज है। ये आप समझ गए होंगे, स्टेट को सॉवरेन बना के हर एक चीज के साथ स्टेट जोड़ दिया कि वो किसकी होगी, लॉ होंगे तो स्टेट के होंगे, रेवेन्यू होगा तो स्टेट का होगा, लाइबिलिटी होगी तो स्टेट की होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो। Any doubt? सब समझ में आ गया, एकदम क्लियर है? ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, पहले मैं बता देती हूँ कि ज्यूरिसप्रूडेंस का हमने आज एक सेशन लिया जिसमें हमने तीन टॉपिक्स देखे। अब आपका जो कल हम देखेंगे कल के सेशन में, वो आपका रहेगा पोजेशन एंड ओनरशिप, लॉ एंड मोरालिटी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हमें स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस देखना है। ठीक है, तो अगर कल हो गया, ये दो टॉपिक हो गए, अगर जल्दी तो हम स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस कल ही कर लेंगे, और नहीं तो फिर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, सो कल का टाइमिंग भी आपका 12:30 रहेगा, तो मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करना। बिफोर कमिंग टू दैट थिंग, अचीवर्स बैच 2.0 क्लैट पीजी अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपना क्लैट पीजी 2025 देना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको इसमें 500 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाती है। आप अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आपको कोड यूज करना है MSingh10 अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को परचेज करने में, एंड फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। CUET Navigator LLM Expedition 2024 बैच भी हमारा चल रहा है। इस बैच में हम लोग MCQs डिस्कस कर रहे हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के जो आपके CUET PG LLM एग्जाम में आने वाले हैं। 40 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, इन क्लास PDF भी प्रोवाइड करते हैं MCQs का। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर लेना। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स है, इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अन अकेडमी पे क्लैट पीजी प्रोग्राम में जाके मंजरी सिंह आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम है मंजरी सिंह मनोज, जैसा आप पूछ रहे थे, आप मंजरी सिंह सर्च कर सकते हो, एंड वहां पर आपको मेरी प्रोफाइल में फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। फ्री क्लासेस जाके आप देखोगे, उसमें आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल वैसे ज्वाइन कर लिया है तो मैंने ऑलरेडी वहां पर शेयर कर दी है आज की क्लास जो 4 बजे होने वाली है, आपकी स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज के सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे आगे के साथ। तो मेक श्योर कि आप एक बार जाके जरूर फ्री क्लासेस देखो, वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, आपको जजमेंट्स मिल जाएंगे, आपको वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिलेगा, आपको ज्यूरिसप्रूडेंस के भी वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो इसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक कर दो फटाफट लाइक नहीं किया, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो फिर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। Should I leave? And 4 बजे आपकी क्लास है, उसके बाद 7 बजे आपकी फिर क्लास है। 7 बजे वाली को 6:45 के लिए बोला था, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
ओके, यू वेलकम दिव्यांशी, यू वेलकम ऐश्वर्या, यू वेलकम सुमन. ठीक है, आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर.